हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों तक? हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आ गए सभी लोग गाइस। जो लोग अगर कंप्रेसर में थोड़े से वीक हैं या किसी को अगर कंप्रेसर पढ़ना है तो गाइस फटाफट से कॉल कर दो उनको वापस कि जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है कंप्रेसर में फटाफट अपने दोस्तों को बोल दो कि आ जाओ भैया सब लोग, एयर कंप्रेसर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे लोग आ गए हैं। ओके, सो गाइस अगेन वेलकम टू दिस कोर्स विच इज ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये कोर्स जो है गेट 2023 के लिए है, ठीक है, क्रैश कोर्स है, बट इसको हम क्रैश की तरह नहीं चला रहे, इसको हम एकदम फुल स्पीड में अच्छे से चला रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी हम ऑलरेडी दो टॉपिक कर चुके हैं, एक हम ब्रेटन साइकिल खत्म कर चुके हैं, दूसरा रैंकाइन साइकिल खत्म कर चुके हैं। जिसने भी ये दोनों टॉपिक नहीं देखे होंगे, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है वो आप जाके दोनों टॉपिक देख सकते हो, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं धुएंदार, एकदम मस्त, जबरदस्त, ठीक है, पहला आपका एयर कंप्रेसर, ठीक है। एयर कंप्रेसर में आज हम शुरू करेंगे, एयर कंप्रेसर में आज हम शुरू करेंगे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। देखो दो टाइप के एयर कंप्रेसर होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स एंड डायनामिक एयर कंप्रेसर्स। तो आज हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले को शुरू करेंगे विच इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सॉरी, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग ये लेक्चर जरूर देखो, ठीक है। आई एम श्योर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एयर कंप्रेसर में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है, बहुत सारी चीजें पहले से ही रटे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों आज हम इसको कंप्लीट डिटेल में समझेंगे, ए टू जेड एयर कंप्रेसर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज एयर कंप्रेसर। पहला जो इसमें टॉपिक है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं एयर कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। आई होप आप में से सभी लोगों ने देखा होगा या सुना होगा एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर एक्चुअली में होता क्या है, जो ये हम चीज लिख रहे हैं ये एक्चुअली में होता क्या है और इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सबसे पहले जो एयर कंप्रेसर बना वो क्यों बनाया गया, आई होप आप में से सभी लोगों ने पहले वाला लेक्चर देखा होगा पावर प्लांट का, फर्स्ट वाला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया था जिसके ऊपर हम एयर कंडीशन एरोप्लेन चला रहे थे, ठीक है। और वो जब एरोप्लेन चल रहा था तो आपको पता चला कि यहां पे एयरक्राफ्ट जो था उसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशंस में जो बेसिक लिमिटेशन थी कि उसको हवा नहीं मिल रही थी। जैसे ही वो ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, तो हमें पता चलता है कि एयर की डेंसिटी बहुत कम है और एयर की डेंसिटी कम होने के कारण आपको सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि एयर की डेंसिटी बढ़ाई जा सके। जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो आया दैट इज टू इंक्रीज द डेंसिटी, ठीक है, और वहीं से एयर कंप्रेसर का जो चलन है वो शुरू हुआ, ठीक है। एयर कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी एयर जो यहां पे पड़ी है जिसकी डेंसिटी कम है उसको कंप्रेस करके इतने वॉल्यूम में ला देगी ताकि इसकी डेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को
जहां पे हम उसको कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, और जो डिवाइस ये काम करती है उसको हम एयर कंप्रेसर बोलते हैं। समझ में आया क्या सब लोगों को? ठीक है, देखो एयर कंप्रेसर की जब डेफिनेशन लोगों से पूछी जाती है तो लोग उसको बहुत अलग अलग वे में बताते हैं, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एन एयर। नहीं, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर। नो, एयर का प्रेशर, अगर मान लो आपकी ये एयर रखी हुई है, इसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम वी है, इसके अंदर एयर रखी हुई है प्रेशर पी पे, टेम्परेचर टी पे, अगर आपको इसका प्रेशर बढ़ाना है तो सिर्फ आप कंप्रेस करके ही नहीं बढ़ा सकते, आपके पास और भी बहुत मेथड है इसका प्रेशर बढ़ाने का। टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाना तो सबसे आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा दोगे, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाना तो बहुत आसान है, क्या करना पड़ेगा? हीट एनर्जी दे दो। जैसे ही हीट एनर्जी दोगे वैसे ही यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। बट प्रेशर बढ़ाना एम नहीं है हमारा, हमारा एम है डेंसिटी बढ़ाना। मेन एम जो है दैट इज टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द एयर। पहले अगर मान लो यहां पे कुछ मास ऑफ एयर रखी हुई है, ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि इस एयर को ऐसे कंप्रेस करके लेके आना है ताकि इसके आधे वॉल्यूम में ही ये मान लो एयर के पूरे मॉलिक्यूल्स आ जाएं, ठीक है, ये हमारा काम है जो हमें करना है। और इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एयर कंप्रेसर। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो डिवाइस यूज होती है टू इंक्रीज द डेंसिटी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एयर कंप्रेसर। इट इज अ डिवाइस, ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ a gas and in turn increase, ये intem नहीं है, ये intern है, ठीक है, intern, in turn increase the pressure of air, increase the pressure of air is called as air compressor, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, और डेंसिटी इंक्रीज करने का एक बाई प्रोडक्ट है विच इज द इंक्रीज्ड प्रेशर, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस जो डेंसिटी इंक्रीज करती है, इसके साथ साथ आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं एयर कंप्रेसर। अब अगर डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे पास में अगर मान लो ये इतना अमाउंट ऑफ एयर है, इसके अंदर मास m रखा हुआ है, अब इस मास m की मुझे डेंसिटी इंक्रीज करनी है। अगर डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या पता है कि मास जो है वो कॉन्स्टेंट है, आपको इस एयर का, यही जो एयर रखी हुई है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज करनी है, मास तो इसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो हमें पता है रो इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी है तो आप या तो मास को बढ़ा दो, जो आप बढ़ा नहीं सकते हो बिकॉज कांस्टेंट है, तो आपको वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो अब आप देखोगे तो ये नई एयर जो है वो इतनी दूर में या इतने स्पेस में मास ऑक्यूपाई कर रहा है, अब इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। और ये जो प्रोसेस हुआ है वो हम अगर देखें तो हमने कंप्रेस किया है, चारों तरफ से एयर को कंप्रेस करके पास पास लेके आए हैं, पास पास लाने की वजह से जो आपका वॉल्यूम कम हुआ है, जो एयर का वॉल्यूम कम हुआ है, उस प्रोसेस को हम कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। सिंस एयर इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फ्लूइड, तो हम उसको अगर कंप्रेस करते हैं तो जो डिवाइस एयर को कंप्रेस करती है उसको हम एयर कंप्रेसर बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके,
दिस इज कॉल्ड एज एयर कंप्रेसर। क्या आपने कभी एयर कंप्रेसर देखा है? किसी ने एयर कंप्रेसर देखा है? कैसा दिखता है? देखो आप लोग अपने बाइक के अंदर हवा भरवाने जाते हो, ठीक है, बाइक का जो टायर है उसमें हवा डलवाते हो, तो जो पंक्चर वाला होता है या फिर जो आपका नॉर्मल पेट्रोल स्टेशन वाला होता है, वहां पे आप देखोगे तो कुछ एक ऐसी डिवाइस लगी हुई होती है। देखो इधर, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, दिख रहा है क्या सब लोगों को ये? ठीक है, अब अगर यहां पे देखोगे तो उस पंक्चर वाले के पास में नीचे एक बड़ा सिलेंडर होता है पूरा क्रॉस सेक्शन वाला, और उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा होता है जिसमें ये दो दो ऐसे लगे, या तो दो वाला होगा या एक वाला होगा, ठीक है, ये दो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सिलेंडर्स। इसके नीचे जो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज द क्रैंक केस, ठीक है, और यहां पे एक मोटर लगी होती है, जो मोटर जो है वो बेल्ट के साथ में आपके कनेक्टेड है एयर कंप्रेसर से, ठीक है, बेल्ट जो है कहां चला गया भाई, ओके, आपकी मोटर जो है वो बेल्ट से कनेक्टेड है इसके साथ में, तो मोटर घूमती है, एयर कंप्रेसर घूमता है, और आप क्या करते हो, एयर को कंप्रेस करते हो। जो कंप्रेस्ड एयर है वो अगर आपको दिख रहा है सभी को, तो देखो यहां से ऊपर से एक ट्यूब आ रही है और इस सिलेंडर के अंदर जा रही है, दिख रहा है सब लोगों को, यहां से एक ट्यूब आ रही है और इस सिलेंडर के अंदर जा रही है, तो जो भी कंप्रेस्ड एयर होती है वो ऊपर से नीचे सिलेंडर के अंदर भेज देता है, ठीक है, और ये सिलेंडर जो होता है यहां पे हम एयर को स्टोर करके रख लेते हैं, कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब भी कोई बाइक वाला आए उसको अच्छी खासी डेंस एयर की रिक्वायरमेंट है, उसको हाई डेंसिटी वाली एयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, उस एयर को आपके ट्यूब में भर देगा पूरा, और जैसे ही ट्यूब में भर देगा, अब आपकी ट्यूब एकदम ऐसे गोपा हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, और आप उसके ऊपर धूम से बैठ के निकल लेते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ एन एयर कंप्रेसर एक्चुअली लुक्स लाइक, क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। तो अगर हम एयर कंप्रेसर की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, एयर कंप्रेसर कैसे कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्लासिफिकेशन, एयर कंप्रेसर जो है उनका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है डायनामिक, ठीक है। सो पहला जो होता है, दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एयर कंप्रेसर, सेकेंड इज कॉल्ड एज द डायनामिक एयर कंप्रेसर। दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी एयर है इसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो और फिजिकली कंप्रेस कर रहे हो। ये एयर है, इसको आप क्या कर रहे हो, फिजिकली ऐसे मूव करवा रहे हो, ऐसे इसको पूरा मूव करवा रहे हो। जो आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये जो प्रिंसिपल होता है दिस इज कॉल्ड एज योर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, एयर को एक कंफाइंड स्पेस में भर दे रहे हो, एयर को एक कंफाइंड स्पेस क्या होता है, कंफाइंड स्पेस वो होता है जो सब तरफ से बंद होता है, काली कोठरी, ठीक है। तो एयर को आप कंफाइंड स्पेस के अंदर भर दे रहे हो और उसके बाद में उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो, अगर ऐसा प्रिंसिपल होता है देन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस में एयर इज कंफाइंड इन अ स्पेस and then volume is reduced, ठीक है। सो ऐसा जो प्रिंसिपल होता है जिसमें एयर को आप कंफाइन कर देते हो एक स्पेस के अंदर, उसके बाद में उसका वॉल्यूम रिड्यूस करते हो, दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। दूसरे टाइप का जो कंप्रेसर है दैट इज कॉल्ड एज द डायनामिक कंप्रेसर। अब भैया डायनामिक कंप्रेसर क्या होते हैं, देखो डायनामिक कंप्रेसर में हम क्या करते हैं,
एयर को डायरेक्टली ऐसे कन्फाइन करके ऐसे 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 दबोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, एयर को एक हाई वेलोसिटी दे देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको हाई वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। और हाई वेलोसिटी देने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको उसकी वेलोसिटी के कारण जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है, उस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो एक ये दीवार है, ठीक है, और यहां पे क्या था, एक यहां पे ये देखो, यहां पे आपके पास में कुछ लोग थे जो ऐसे 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 बैठे हुए थे, ठीक है। लेट्स से दिस इज द डेंसिटी, ये कुछ लोग थे जो इस डेंसिटी पे बैठे हुए हैं। मतलब अगर आप देखो तो यहां पे आपका इतना जो वॉल्यूम था, इसके अंदर आपके 3, 3, 6, 3, 3, 9, 2, 11 लोग बैठे हुए थे। अब आपने क्या किया, इन सबको एक वेलोसिटी दे दी, वी 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 सबको एक वेलोसिटी दे दी, ठीक है। सब लोग इधर भागना शुरू किए, एकदम जोर से भाग रहे हैं वेलोसिटी वी से। अचानक भागते भागते आपने क्या किया, इनके सामने एक दीवार रख दी, क्या होगा? अगर अचानक भागते ही सबके सामने मैं एक दीवार रख दूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? क्या सबको नजर आता है कि सर ये भागते भागते पहले 3-4 तो ऐसे दीवार में टकरा जाएंगे, उसके बाद वाले जस्ट उनके ऊपर आके गिरेंगे, उसके बाद वाले 4 जो हैं वो आके ऐसे इनके ऊपर गिरेंगे। क्या ऐसा ही कुछ होगा, क्या ऐसा ही कुछ होगा या नहीं, जल्दी बताओ, सोच के बताओ। ये जो 11 लोग थे भाग रहे थे, अचानक से मैंने उनके सामने दीवार रख दी, सारे एकदम अंधे हैं, बेचारों को कुछ नहीं दिखता है। ये जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं, ये बेचारे अंधे होते हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता है। तो भागते भागते जाएंगे तो ये सब एक दूसरे में टकरा के दीवार के अंदर गिर जाएंगे। और अब अगर आप देखोगे तो अब मैं कहूं कि मैंने अपने सारे जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स थे उनको मैंने कन्फाइन कर दिया यहां पे। क्या ये सही स्टेटमेंट है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने सारे एयर मॉलिक्यूल्स को कम स्पेस में कन्फाइन कर दिया, क्या मैंने डेंसिटी इंक्रीज कर दी? तो ये जो प्रिंसिपल होता है जिसमें मैं क्या करता हूं, पहले मॉलिक्यूल्स को हाई काइनेटिक एनर्जी दे देता हूं और उस हाई काइनेटिक एनर्जी को ही मैं डिस्ट्रॉय करके उनका प्रेशर इंक्रीज करवा लेता हूं, उनकी डेंसिटी इंक्रीज करवा लेता हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ डायनामिक प्रिंसिपल। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर कोई ऐसा है बंदा जिसको नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ क्या समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज द डायनामिक प्रिंसिपल। इन डायनामिक प्रिंसिपल हाई काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एयर मॉलिक्यूल्स एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड प्रेशर बाय कन्वर्टिंग इनटू स्टैटिक एंथैल्पी, ठीक है, ओके। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर एक्चुअली गिविंग काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स को, और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करके एयर की डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दिस विल बी पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी, और जैसे ही इस काइनेटिक एनर्जी को मैं
किल करता हूं, इसको यूज कर लेता हूं टू इंक्रीज द एंथैल्पी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी एंथैल्पी में चली जाएगी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कोई एक गैस है उसका अगर मान लो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अगर प्रोसेस मान लो आइसेंट्रोपिक चल जाए या एडियाबेटिक चल जाए, तो हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वे वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड प्रेशर। ये हम देखेंगे कैसे होता है, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे इसको क्या होता है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है, एक प्रैक्टिकल डिवाइस का नाम बताए विच वर्क ऑन डायनेमिक प्रिंसिपल। डायनेमिक प्रिंसिपल वाली बहुत बहुत डिवाइसेस है, ठीक है। आपका आपका जो फैन चल रहा है दैट ऑल्सो वर्क ऑन अ डायनेमिक प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में सर हाउ डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस इन रोटर डायनेमिक्स, टिल नाउ आई थॉट ओनली प्रेशर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस डेंसिटी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस डेंसिटी। क्यों भाई, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही क्यों डेंसिटी इंक्रीज करेगा? क्या यहां पे नहीं दिख रहा आपको कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है? क्या यहां पे नहीं दिख रहा कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं? एक सीधा सा कंसेप्ट बताता हूं, अगर अगर समझ में आए तो ट्राई करना। आपके पास में एक एक फील्ड है, एक मैदान है जिसके अंदर 500 लोग बैठे हुए थे, एक ग्राउंड है जिसके अंदर 500 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। वो लोग यहां 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 ऐसे बैठे हुए थे, अचानक से किसी ने गोली फायर कर दी। जैसे ही गोली फायर करोगे क्या होगा, ये सब लोग एक तरफ भागेंगे, और जैसे ही एक तरफ भागेंगे, मान लो ये ग्राउंड का गेट है, ठीक है, ये ग्राउंड का गेट है, तो इस गेट में से कितने लोग पास कर सकते हैं? इस गेट में से मान लो दो लोग एक साथ पास कर सकते हैं, तो क्या सबको नहीं समझ में आएगा कि सब लोग यहां ऐसे 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 चिपक जाएंगे गेट में से निकलने के लिए, ठीक है। सो दिस इंक्रीजेस द डेंसिटी। ये कैसे होती है बाद में बताऊंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही कर पाए, इसीलिए तो मैंने बोला है, इसीलिए तो मैंने बोला है कि एयर कंप्रेसर में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, चिंता मत करो। समझ में आ गया सब लोगों को ये? यहां तक क्या सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, डायनेमिक वाले पार्ट में जब हम डायनेमिक कंप्रेसर करेंगे, जब रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर करेंगे, कल हम करने वाले हैं रेडियल आपका एयर कंप्रेसर, ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, ओके। सो पहला हमने पार्ट देख लिया, डायनेमिक वर्सेस योर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो होते हैं, इसमें जो पहला आता है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, जिसको हम देखेंगे। उसके बाद में और भी कंप्रेसर होते हैं लाइक वेन कंप्रेसर, ठीक है। वेन कंप्रेसर इज वन कंप्रेसर, ठीक है, जहां पे हम देखें, जहां पे आप अगर देखोगे तो एयर को कन्फाइन कर लिया जाता है, उसके बाद में आपका वॉल्यूम कम किया जाता है, ठीक है। दीज आर ऑल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। डायनेमिक कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में आपका फैन हो गया, ब्लोवर हो गए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कंप्रेसर्स जो कि आपके पॉजिटिव जो डायनेमिक कंप्रेसर्स होते हैं, ठीक है। इनको एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, क्लियर है। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप। लेट्स गो टू द सेकेंड क्लासिफिकेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल। ज्यादातर कंप्रेसर आपके वर्किंग प्रिंसिपल पे ही क्लासिफाई किए जाते हैं, उसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे दो चार टाइप हैं, वो हम देख लेते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन प्रेशर, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेशर हैंडल्ड, कितना प्रेशर वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, कितना प्रेशर कंप्रेसर के अंदर है। अगर आपका प्रेशर लेस देन अगर 10 बार है, देन दीज आर कोल्ड एज लो प्रेशर कंप्रेसर्स, ठीक है, दीज आर कोल्ड एज लो प्रेशर। देन देर आर मीडियम कंप्रेसर, ठीक है, मीडियम प्रेशर कंप्रेसर वेयर द प्रेशर इज समवेयर विच इज लेस देन 80 बार एंड मोर देन 10 बार।
10 बार से 80 बार के बीच का जो कंप्रेसर्स होता है उनको मीडियम प्रेशर कंप्रेसर बोलते हैं, एंड देन लास्ट इज योर हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है, हाई प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर्स जो होते हैं इनका प्रेशर जो होता है वो 80 बार से ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये अगर आपका कंप्रेसर इंडिपेंडेंट है तभी है। ठीक है, अगर आपका प्रेशर इंडिपेंडेंट है, अगर मान लो कोई एक कंप्रेसर है जो 80 बार पे काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाई प्रेशर कंप्रेसर, वो अकेला कंप्रेसर काम कर रहा है। अगर ये दूसरा है वो 50 बार पे काम कर रहा है तो दैट इज मीडियम प्रेशर कंप्रेसर। बट अगर आपके पास में तीन कंप्रेसर हैं, ठीक है, तीन कंप्रेसर हैं जिसमें से एक काम कर रहा है 2 बार पे, दूसरा काम कर रहा है 9 बार पे और तीसरा काम कर रहा है 27 बार पे। ठीक है, दूसरा 9 बार पे काम कर रहा है, तीसरा 27 बार पे काम कर रहा है, पहले वाले को आप क्या बोलोगे? लो प्रेशर कंप्रेसर, ये सबको पता है। दूसरे वाले को क्या बोलोगे? देखा जाए तो ये लो प्रेशर कैटेगरी में है। ठीक है, देखा जाए तो लो प्रेशर कैटेगरी में है। ठीक है, बट सिंस देर आर 3 कंप्रेसर्स विच आर वर्किंग ओवर हेयर, इसको आप अगर मान लो ये लो प्रेशर कैटेगरी में है, ये मीडियम प्रेशर कैटेगरी में है, बट जब हम तीनों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज योर लो प्रेशर कंप्रेसर, दिस इज योर मीडियम प्रेशर कंप्रेसर, दिस इज योर हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है, तो हाई प्रेशर कंप्रेसर है जिसका प्रेशर है 27 बार, स्टिल हम उसको हाई प्रेशर बोल रहे हैं बिकॉज तीन कंप्रेसर हैं, तीनों को हम रिलेटिवली भी मेजर करते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट वेरी रिजिड, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, पता लगा, किसी ने पूछा 79.9 बार वाला प्रेशर कौन सा कंप्रेसर होगा और भाई ने बोल दिया कि भैया मीडियम प्रेशर कंप्रेसर ही होगा, ऐसा नहीं है। 80 बार है, 75 बार है, 70 बार है, उसको भी जनरली हाई प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है अगर आपके पास में 200 बार वाला कंप्रेसर बैठा हो तो आप 100 बार वाले को मीडियम प्रेशर कंप्रेसर बोल देंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्रेशर रेशियो। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेशर रेशियो। ठीक है, प्रेशर रेशियो कितना डेवलप करते हैं? P2/P1, आउटलेट प्रेशर बाई इनलेट प्रेशर। ठीक है, अगर ये प्रेशर रेशियो है लेस देन 1.1, अगर प्रेशर रेशियो लेस देन 1.1 है, इसका मतलब बहुत छोटा सा प्रेशर इंक्रीज किया आपने, दीज आर कॉल्ड एज फैंस। क्या बोलते हैं इनको? फैन, जो बोलते हो ना मम्मी फैन चला देना, ये फैन डायनेमिक कंप्रेसर है। ठीक है, इसका प्रेशर रेशियो 1.1 से कम होता है। आपका फैन क्या करता है? एयर को नीचे पुश करता है। जब वो एयर को नीचे पुश कर रहा है उस टाइम आपकी एयर जो है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। जैसे ही थोड़ी सी कंप्रेस होगी उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 1.05-1.07 बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड एज फैन। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करवाना चाहते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज ब्लोवर। ठीक है, ब्लोवर कहां लगाते हैं भैया? सर ब्लोवर हमने किचन में लगाया हुआ है, किचन में जो फैन लगता है जिसकी ब्लेड जो होती है वो बहुत घूमी हुई होती है और जब वो चलता है तो मैसिव आवाज करता है एकदम, दैट इज वन ब्लोवर। उसके अलावा जो सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट्स होते हैं उनमें ब्लोवर्स होते हैं, क्योंकि हवा को बहुत दूर तक पहुंचाना है। अगर हवा को दूर तक पहुंचाना है तो ये ब्लोवर का रिक्वायरमेंट होता है बिकॉज ये प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा ज्यादा, 2.3 बार। जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा आपकी फ्लूइड में एनर्जी ऐड होगी और उतनी ही दूर तक आपका फ्लूइड जा सकता है। ठीक है, सो इसलिए इनको बोला जाता है ब्लोवर्स। और अगर आपका प्रेशर रेशियो 2.3 से ज्यादा है, अगर आपका प्रेशर रेशियो 2.3 से ज्यादा है तब आप इसको बोलते हो एयर कंप्रेसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हैं तीनों ही कंप्रेसर लेकिन तीनों का डेफिनेशन अलग अलग है। फैन प्रेशर रेशियो 1.1 करता है, फैन आपकी डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, थोड़ी सी छोटी सी डेंसिटी इंक्रीज करता है। ब्लोवर थोड़ी ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। और तीसरा है कंप्रेसर्स,
एक्चुअली में ये डेंसिटी जो इंक्रीज होती है, जो डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसका एक बाई प्रोडक्ट भी है कि जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होती है आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और बेसिकली जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दैट इज नथिंग बट आप एनर्जी ऐड कर रहे हो आपके फ्लूइड में। तो ये जो एनर्जी आपने ऐड की है, इस एनर्जी को आप कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। एयर कंप्रेसर्स इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं? एयर कंप्रेसर्स बिकॉज आप इस एनर्जी को यूज कर सकते हो। एयर कंप्रेसर ने जो भी एनर्जी आपके फ्लूइड के अंदर स्टोर की है, उस एनर्जी को यूज करके आप दूसरा काम कर सकते हो कहीं दूसरी जगह पे। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपको क्या करना था, यहां से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करके आपके घर तक लेके जाना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक लाइन लगा दी और यहां आपका जनरेटर जनरेट कर रहा है, यहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, यहां आप ट्यूबलाइट जला दे रहे हो, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। वो एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का। दूसरा तरीका है आप एयर को कंप्रेस करके रख लो। जैसे ही आपने एयर को कंप्रेस करके रखा, यहां पे आपकी हाई डेंसिटी है, मतलब हाई एनर्जी है, अब आप इसको लेके चले गए और लेके चले गए अपने घर पे, और वहां पे आपको एनर्जी की जरूरत है, तो इस एयर को यूज कर सकते हो, आप एनर्जी को यूज कर सकते हो वर्क करवाने के लिए, ठीक है। बहुत सारी मोटर्स आती हैं विच आर कॉल्ड एज एयर मोटर्स, ठीक है। आप लोगों के घरों के आजू बाजू अगर कभी देखा हो तो जो रोड होती है उसको फोड़ने के लिए एक जैक हैमर यूज किया जाता है, क्या देखा है आप लोगों ने, जैक हैमर यूज किया जाता है रोड को फोड़ने के लिए, देखा है किसी ने, ठीक है। जैक हैमर एक वो होती है, ये देखो ऐसा कुछ देखा है किसी ने, ये दिस इज कॉल्ड एज ए जैक हैमर, ये चलता है, ठीक है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। अगर आपने इसको देखा है तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये दिस इज जस्ट अ डिवाइस विच इज यूजिंग एयर, कंप्रेस्ड एयर, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, दिस इज यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। यहां देखोगे इसमें एक पाइप आ रही है और वो पाइप आती है यहां एक जनरेटर से, ठीक है। जो आपका एयर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर उसमें हाई प्रेशर एयर भेजता है, वो हाई प्रेशर एयर को आप क्या करते हो, ये ऊपर नीचे करवाने के काम में आती है, जिससे कि आपका ये वाला रोड है वो फूटता है। सो दिस इज हाई एनर्जी। इसकी जगह आप और कुछ भी यूज कर सकते थे, इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर सकते थे, बट इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। बहुत एक्सट्रीम हाई एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है इस जैक हैमर से, और चाहे जितना मोटा रोड हो आप इस जैक हैमर से तोड़ देते हो, समझ में आ रहा है, पत्थर भी तोड़ देता है भाई ये जैक हैमर। सो दिस इज नथिंग बट इट इज द हाई प्रेशर एनर्जी दैट यू आर यूजिंग। तो ये जो चीज हुई, इसका जो बाई प्रोडक्ट था, हम तो डेंसिटी बढ़ाना चाह रहे थे, बट जैसे हमने डेंसिटी बढ़ाई एनर्जी भी बढ़ गई, और ये एनर्जी है दिस इज क्लीन एनर्जी, इसको आप कहीं भी ले जाके हाई आपका वो वर्क वाली एनर्जी है ये, ठीक है। जो वर्क होता है दैट इज योर हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका एयर कंप्रेसर ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्यों, क्योंकि आप इसमें एनर्जी स्टोर करके कहीं दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो जहां पे शायद आपके पास में स्पेस ना हो या फिर इक्विपमेंट अवेलेबल ना हो। समझ में आया सब लोगों को ये, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब अगर आप चलते हैं आगे, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज योर रेसिप्रोकेटिंग, हेडिंग डालो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। देखो एयर कंप्रेसर जिसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं, ये जो एयर कंप्रेसर होता है दिस इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो हमने जो पहला वाला सबसे पहला जो स्लाइड रखा था उसमें यही था, ये आपका फर्स्ट स्लाइड है,
इस पे मैंने एयर कंप्रेसर का एक डायग्राम बना के रखा था, दिस इज योर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपकी एक पिस्टन होती है, ये आपका एक सिलेंडर होता है। ये देखने में बिल्कुल आपको इंटरनल कंबशन इंजन जैसा लगेगा, क्यों? क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन के भी पहले जो दो स्टेप होते हैं, दैट इज योर सक्शन एंड कंप्रेशन, वो दोनों स्टेप आपका कंप्रेसर ही कर रहा है। तो आईसी इंजन जो है दैट इज नथिंग बट इट इज अ वेरी स्मॉल कंप्रेसर, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें क्या है, आपका सिलेंडर रहता है, यहां पे नीचे पिस्टन है, ये ऐसे ऊपर नीचे मूव करती है। जब कोई चीज ऊपर नीचे मूव करती है तो उसका जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो जब आपकी ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रही है तो इसकी वजह से जो एयर कंप्रेस हो रही है दैट इज कॉल्ड एज, और दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। समझ में आता है सबको? क्या यहां पे समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है कि कैसे एयर कंप्रेसर चलेगा? अगर नहीं विजुअलाइज हो रहा है तो देखो आपको दिखाता हूं कि एयर कंप्रेसर कैसे चलेगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो इधर, यहां पे देखो ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। यहां पे एक मोटर लगी हुई थी, यहां पे आपका एक बेल्ट लगा हुआ था और ये आपका पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा था, ठीक है। तो क्या इसमें सबको दिख रहा है? ठीक है, ये पिस्टन ऊपर जा रही है, अब पिस्टन नीचे आएगी फिर वापस ऊपर जाएगी, ठीक है, दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है ये? ठीक है, सो एक सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। अगर यहां से आपको नहीं समझ में आया तो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। ये एक एनिमेशन है जिसके थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि पिस्टन कैसे एयर को कंप्रेस करके भेजती है। तो यहां से आपके पिस्टन जो है वो पीछे मूव कर रही है, जब ये पीछे मूव कर रही है तो यहां से आपकी लो डेंसिटी एयर अंदर आ रही है, ये आपकी एयर अंदर आ रही है। अब क्या होता है, यहां पे वॉल बंद हो जाता है, पिस्टन पीछे से पुश करती है, पुश करने के कारण डेंसिटी इंक्रीज होती है और वो इंक्रीज डेंसिटी को फिर हम बाहर भेज देते हैं, ठीक है। सी, दिख रहा है सब लोगों को कैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट चल रहा है? यहां पे आपको देखना जरूरी है जब आपका पिस्टन चल रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, अभी मैं इसको बीच में रोकता हूं, देखो इधर, यहां पे आपका पिस्टन जो है वो पीछे जा रहा था। मैं वापस से इसको यहां पे ले आता हूं, ठीक है, टॉप में लाके और उसके बाद में रोकूंगा। देखो यहां पे आपका पिस्टन जो है वो ऑलमोस्ट सारी एयर डिलीवर कर देगा, अब आपके पीछे मूव करना शुरू करेगी एयर। जब ये पिस्टन पीछे मूव करना शुरू करेगी तो यहां से देखना, ये ऊपर वाला वॉल जो है वो बंद हो जाएगा, ये ऊपर वाला एक वॉल है जो बंद हो जाता है और नीचे वाला वॉल खुल जाएगा जहां से आपकी एयर अंदर आएगी। तो पिस्टन जब पीछे जाती है तो यहां से एयर अंदर आती है, पिस्टन ऐसे एयर अंदर आ रही है, पिस्टन पीछे जा रही है, पिस्टन पीछे जाते जाते बिल्कुल एकदम जब यहां पे बॉटम डेड सेंटर पे चली जाएगी तो आपका एयर अंदर भर गया है। एयर अंदर भरने के बाद में अब आपका इनलेट वॉल को बंद कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द इनलेट वॉल, दिस इज कॉल्ड एज द डिलीवरी वॉल, ठीक है। यहां पे एग्जॉस्ट वॉल नहीं होता है, इसको डिलीवरी वॉल बोला जाता है, बिकॉज इट इज थ्रू दैट वॉल दैट वी आर डिलीवरिंग द एयर, ठीक है। तो एयर अंदर आई है, आपके पिस्टन पीछे आ गई है, अब आपका डिलीवरी वॉल तो बंद था ही, आपके इनलेट वॉल को भी बंद करना पड़ेगा। अगर बंद नहीं करोगे तो जब पिस्टन वापस जाएगी तो ये एयर फिर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इसको क्लोज कर देते हो। देखो इधर, जैसे ही आपकी पिस्टन पीछे आई है अब आपने क्या कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया है, ठीक है। जब आपका ये स्टेट है, जब आपके पिस्टन एकदम पीछे आ गई है, आपने इसको पूरा सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया है, अब आप क्या करोगे, पिस्टन को मूव करवाओगे। जब पिस्टन को मूव करवा रहे हो
तब आपकी एयर जो है वो इस सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है। और अब आपकी पिस्टन क्या करेगी, मूव करेगी। जब आपकी पिस्टन मूव करेगी, यहां से आपकी पिस्टन मूव कर रही है, तो ये जो वॉल्यूम है ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, होते होते आपकी पिस्टन जब तक यहां पे आ जाएगी तब तक आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रेशर हाई प्रेशर हुआ, यहां से वॉल्व हम खोल देंगे और ये जो हाई प्रेशर एयर है इसको हम पाइप में भेज देंगे, ठीक है। जैसे ही ये हाई प्रेशर एयर पूरी इस पाइप में चली जाएगी, अब हमारी पिस्टन जो है वो पीछे जाने के लिए तैयार है। जैसे ये पिस्टन पीछे जाएगी, हमें ये डिलीवरी वॉल्व बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ऊपर वाली एयर फिर से सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी वॉल्व को कर देते हैं बंद। अब हमें फ्रेश एयर एंटर करवानी है सिलेंडर में, तो इनलेट वॉल्व खोल देंगे, ठीक है। देखो इधर, ये आपका डिलीवरी वॉल्व बंद हुआ, यहां से जस्ट अब आपका डिलीवरी वॉल्व बंद हो जाएगा और सक्शन वॉल्व शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर, जैसे ही आपका पिस्टन टिप टॉप डेड सेंटर से अब पीछे जा रहा है, यहां पे आपका डिलीवरी वॉल्व हो गया बंद, अब आपका इनलेट वॉल्व खुल गया है, तो अब यहां से एयर जो है वो अंदर आना शुरू होगी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही यहां पे आया, ठीक है, ये आपका इनलेट वॉल्व खुला हुआ है, एयर अंदर आ रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो होता है, दैट इज अ सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, क्लियर है। ये सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो अगर ये सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पे देखेंगे, ओके। सो दिस इज योर सिलेंडर और इसके अंदर ये पिस्टन है। पिस्टन को चलाने के लिए आपकी क्रैंकशाफ्ट है, ओके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका आईसी इंजन होता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे आपका पिस्टन मूव करता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। इस कंप्रेसर के अंदर पिस्टन होती है, सिलेंडर होता है, ये दो चीजें बेसिक है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, दैट इज योर इनलेट वॉल्व एंड डिलीवरी वॉल्व। इस इनलेट वॉल्व को कभी कभी हम सक्शन वॉल्व भी बोलते हैं, सो जनरली वी कॉल इट दिस एज द सक्शन वॉल्व, दिस एज द डिलीवरी वॉल्व। दो वॉल्व होते हैं, ठीक है, सक्शन और डिलीवरी। आपका आईसी इंजन जो होता है उसमें हम इनलेट वॉल्व बोलते हैं और एग्जॉस्ट वॉल्व बोलते हैं, या फिर सक्शन वॉल्व बोलते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व बोलते हैं। यहां पे थोड़ा सा अलग है, समझ में आया, ये क्लियर है। विनय हेगड़े, आपका जो डाउट है वो मैं लूंगा, दो मिनट बाद में लूंगा, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को ये। अगर ये क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है इसको वापस से अच्छे से बनाते हैं और आपको पूरा समझाता हूं कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखता कैसे है, ठीक है। तो आपका एयर कंप्रेसर जो होता है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी सिलेंडर होता है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आपकी पिस्टन होती है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर पिस्टन, ठीक है, ये आपके पिस्टन है, ठीक है। ये आपके पिस्टन है, ये अगर आप देखना चाहो तो इसको कलर कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से कलर कर सकते हो, मैं इसको बड़ा कलर कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ योर पिस्टन एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है, ये आपकी पिस्टन है। ओके, सो दिस इज योर पिस्टन।
ये पिस्टन जो है अब ये आपका मूव करेगा, ठीक है, ये पिस्टन आपका ऐसे और ऐसे मूव करता है। सो सिंस दिस इज डूइंग ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है, सो ये आपका पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। अब आपके सिलेंडर के अंदर एयर आएगी और सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन होगा, तो एयर को अंदर लाने के लिए आपको एक वॉल्व चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लाने के लिए यहां पे एक वॉल लगा देते हैं। लेट्स से दिस वॉल इज योर इनलेट वॉल, ठीक है, दिस वॉल इज योर इनलेट वॉल, ओके। सो ये यहां पे मैंने क्या किया, एक ओपनिंग खोल दी है, और यहां पे डिलीवरी के लिए भी आपको एक ओपनिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया है, इसको भी खोल दिया है, ठीक है, इसको भी मैंने खोल दिया है। ओके, सो दो ओपनिंग मैंने बना दी हैं। इन दोनों के ऊपर मैंने क्या किया है, इन दोनों के ऊपर एक स्पेशल टाइप ऑफ वॉल रखना होता है हमें, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक स्पेशल वॉल रखते हैं जो स्प्रिंग लोडेड वॉल्व होते हैं, ठीक है, दीज आर स्प्रिंग लोडेड वॉल। देखो स्प्रिंग लोडेड वॉल क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड वॉल बहुत ही प्यारा सा वॉल होता है। दिस इज वन वॉल, दिस इज अनदर वॉल, ठीक है, ये दो वॉल्व हैं। अब आपका क्या होगा, सिलेंडर जो है, सिलेंडर जो है इसकी अपनी एक पाइपिंग होती है, इसकी अपनी एक पाइपिंग होती है, ठीक है। यहां से आपकी एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर आती है, सो दिस इज कमिंग इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम एटमोस्फियर, ठीक है, फ्रॉम एटमोस्फियर एयर कम्स इनसाइड, ओके, और यहां से आपकी एयर जो है वो बाहर जाती है। दिस इज टू डिलीवरी बॉटल या फिर एयर बॉटल, ठीक है, एयर बॉटल जो नीचे रखी हुई थी, एयर कंप्रेसर के नीचे जो एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल टैंक रखा हुआ था उसके अंदर ये एयर चली जाती है, समझ में आया, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस कैसे चलेगा, जब आपका पिस्टन यहां पे है तब तो ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मेरा पिस्टन होगा बिल्कुल यहां पे, टीडीसी पे मेरा पिस्टन होगा, टॉप डेड सेंटर पे आपका पिस्टन यहां पे ऐसे बैठा होगा, ठीक है, दिस इज हाउ योर पिस्टन विल बी सिटिंग। जब आपका पिस्टन ऐसे बैठा हुआ है तब आपके दोनों वॉल बंद है, ठीक है, दोनों वॉल बंद है, ये आपके पिस्टन यहां पे बैठी हुई है। जैसे ही अब आप क्या करोगे, इधर की साइड मूव करना शुरू करोगे, विच इज योर सक्शन स्ट्रोक, जब आप पीछे मूव करोगे, तो अगर मान लो आपका ये सिलेंडर है, इसके अंदर यहां पे ऊपर एक वॉल लगा हुआ है, यहां पे एक वॉल लगा हुआ है, दोनों वॉल बंद है, और अब अगर आप अपनी पिस्टन को पीछे खींचते हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ, आप अगर अपनी पिस्टन को पीछे खींच रहे हो तो क्या होगा, फटाफट से बताओ, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, क्या सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, क्या सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, जैसे ही सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, ये आपकी पिस्टन आई है, यहां सिलेंडर के अंदर वैक्यूम है, तो ये इनलेट वॉल जो है ये बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही स्पेशल वॉल होता है, जिसका काम होता है कि अगर सिलेंडर के अंदर यहां के प्रेशर से कम प्रेशर है तो ये खुल जाएगा, ठीक है, सिलेंडर के प्रेशर से अगर कम प्रेशर है तो ये खुल जाएगा। मान लो देखो आपके पास में एक ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, एक आपका ऐसा अरेंजमेंट है, ये आपका एक वॉल है जो कुछ ऐसा लगा हुआ है, और आपने क्या किया है इस वॉल पे एक स्प्रिंग लगा दी है, आपने क्या किया है इस वॉल पे एक स्प्रिंग लगा दी है कुछ ऐसी, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, ये एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, इस अरेंजमेंट में क्या है, ये आपका सिलेंडर है, यहां से आपकी एयर एटमोस्फेयर में आ सकती है, और ये आपका सिलेंडर है। अब अगर यहां पे वैक्यूम हो जाए, ये आपकी पिस्टन है और यहां पे कंप्लीट वैक्यूम हो जाए तो क्या होगा, जैसे ही आपका वैक्यूम होगा, ये वॉल्व जो है
इसके नीचे वाले सरफेस पे वैक्यूम है, ऊपर वाले सरफेस पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहां पे आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे वैक्यूम है, ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मतलब ऊपर से फोर्स लग रहा है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया फोर्स लग रहा है। और जैसे ही फोर्स लग रहा है, क्या सबको समझ में आता है कि ये वॉल नीचे खुल जाएगा? क्या ये सबको समझ में आता है कि आपका ये वॉल जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे इस लोकेशन में आ जाएगा, और नया वॉल का जो पोजीशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और अब आपकी स्प्रिंग जो होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, अब आपकी स्प्रिंग जो होगी वो ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। दिख रहा है सब लोगों को? ये दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, इसका मतलब है आपका वॉल नीचे चला गया। जैसे ही नीचे चला गया ये वाली ओपनिंग खुल गई, और जैसे ही ये ओपनिंग खुल गई आपकी एयर जो होगी, जो फटाफट यहां पे वेट ही कर रही थी इस सिलेंडर के अंदर जाने का, वो ऐसे बाहर से अंदर आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आपकी एयर जो है वो फटाक से ऐसे सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगी। ये वॉल नीचे खुल गया और आपकी एयर अंदर आ गई। तो जैसे ही ये एयर अंदर आएगी, अब आपके सिलेंडर के अंदर एयर भरना शुरू हो गया, आपके पिस्टन पीछे जा रही है, पिस्टन पीछे जाती जाती है और आपके सिलेंडर के अंदर एयर आते जा रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये तब तक चलेगा जब तक आपकी पिस्टन यहां तक ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी पिस्टन यहां पे आएगी पूरे टाइम में आपका वैक्यूम रहेगा सिलेंडर के अंदर। तो जैसे ही सिलेंडर के अंदर वैक्यूम है, आपकी एयर अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, अंदर आ रही है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप होली के दिन पिचकारी लेके आते हो, ठीक है। वो पिचकारी है, वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और पिचकारी को आप क्या करते हो, पानी की बाल्टी में डुबोते हो और ऐसे पीछे खींचते हो, पानी की बाल्टी में डुबो के पीछे खींचते हो। जब उसको पीछे खींच रहे हो तो पानी क्या हो रहा है, पिचकारी के अंदर भरता है। क्यों भरता है? क्योंकि पानी के, अगर आप पानी को देखोगे, ऊपर जो उस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसके अंदर कंप्लीट वैक्यूम है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलता है कि जा भाई पिचकारी के अंदर, वहां पे वैक्यूम है। तो सारी पिचकारी के अंदर आपका पानी भर जाता है। बिल्कुल वैसा ही केस होता है यहां पर आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है? तो आपका पिस्टन यहां से यहां तक आ गया। अब यहां तक आ गया है तो अब आपके पूरे पिस्टन सिलेंडर के अंदर, पिस्टन सिलेंडर के अंदर आपकी क्या है, एयर बैठी हुई है, ठीक है। यहां पे आपकी कंप्लीट एयर आ गई है। लेट्स से दिस इज योर एयर, ठीक है, ये आपकी एयर है। ऐसे 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 लोअर डेंसिटी पे आपकी एयर बैठी हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे एयर बैठी है। अब क्या होगा? अब आपके पिस्टन जो है वो यहां से मूव करेगी। जैसे ही यहां से मूव करेगी, ये वाला वॉल जो है ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये पिस्टन मूव करे, ये वाला वॉल बंद हो जाना चाहिए। ये वॉल होते हैं, ये स्पेशल डिजाइंड होते हैं, ये तभी काम करेंगे जब इनके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर इनके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो ये बंद स्टेट में रहेंगे। तो जैसे ही आपके पिस्टन यहां पे आई है, एयर सिलेंडर के अंदर आ गई है, जैसे ही एयर सिलेंडर के अंदर आ गई है, यहां पे एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया है, यहां पे भी एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अगर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर यहां है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर यहां है, तो अब आपको पता चलेगा कि अब आपकी स्प्रिंग जो कंप्रेस हुई हुई थी वो वापस ऐसे एक्सपैंड कर जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये आपके वॉल को बंद कर देगी। इसको किसी के वेट की जरूरत नहीं है। जैसे ही सिलेंडर के अंदर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर आएगा, ये स्प्रिंग फट से बंद हो जाएगी और ये वॉल को बंद कर देगी। इसको मतलब नहीं है कि पिस्टन कहां पे है, ये बेचारी अंधी है, इसको कुछ नहीं समझ में आता, इसको सिर्फ प्रेशर डिफरेंस दिखता है। जैसे ही इसको दिखेगा कि यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, ये खुल जाता है। जैसे ही दिखेगा कि ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों बराबर हुए हैं, बंद, ठीक है। अब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी पिस्टन इधर से मूव करना शुरू करेगी, तो ये वाला वॉल तो बंद है ही और ये भी वॉल बंद है। सारी एयर जो है इस सिलेंडर के अंदर कन्फाइन हो गई है, ठीक है। जब सारी एयर कन्फाइन हो गई है,
अब आपकी पिस्टन जो है वो इधर की साइड मूव करेगी, आप बाहर से पुश करोगे इसको। जब पुश करोगे तो क्या होगा, जब पुश करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी पिस्टन जो है वो ये वाले दोनों को खा जाएगी, ठीक है। आपकी पिस्टन यहां आ जाएगी इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। लेट्स से आपकी पिस्टन आ गई है यहां पे, जैसे ही आपकी पिस्टन यहां पे आई है, जो दो पिंक वाले डॉट थे वो मान लो यहां शिफ्ट हो गए, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम कम हो गया, पिंक डॉट यहां आ गए, मतलब आपकी डेंसिटी बढ़ गई। फिर पिस्टन थोड़ा सा और मूव करेगी, जैसे ही थोड़ा सा और मूव करके यहां पे आएगी, ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा और मूव करके यहां पे आएगी, मान लो यहां पे आ गई, जैसे ही यहां पे आ गई ये इन पांच को और खा जाएगी और यहां पे रख देगी। तो जैसे ही इन पांच को यहां पे रखेगी क्या होगा, एक इधर आ गया, दो तीन चार पांच, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहां पे डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। फिर आपके पिस्टन जो है वो करीब करीब यहां आ जाएगी, ठीक है, देखो इधर आपके पिस्टन यहां आ जाएगी यहां पे। जब वो यहां पे आएगी तो एक दो तीन चार पांच छह, ये छह डॉट और हैं, इनको भी ये खा जाएगी और ये छह डॉट यहां यहां एक दो तीन चार पांच छह। अब आपकी एयर जो है वो पूरा कंप्रेस हो गई है यहां पे, ठीक है। जैसे ही आपकी एयर यहां पे कंप्रेस हो गई है, लेट्स से इसके अंदर का जो प्रेशर है वो 10 bar है, ठीक है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो 10 bar है यहां का। और ये वाला वॉल जो है ये भी बिल्कुल स्पेशल वॉल है, ये भी बिल्कुल बहुत स्पेशल वॉल है। इसको जैसे ही दिखेगा कि यहां पे प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर कम है, ये भाई साहब बाहर की साइड खुल जाएंगे। कैसे खुल जाएंगे, बाहर की साइड। ये वॉल कैसे खुलता है, ये वॉल का अगर आपको अरेंजमेंट देखना है तो ये वॉल ऐसे होता है, ये वाला वॉल जो है ऐसे ऊपर बैठा रहेगा, ठीक है, ये वाला वॉल यहां ऊपर बैठा रहता है सिलेंडर के, ऐसे यहां ऊपर बैठा रहेगा और इसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर हमारा सिलेंडर का ही सिलेंडर हेड होता है, ठीक है। और वो वॉल जो है वो स्पिंडल लगा के वॉल जो है कुछ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर स्पिंडल और इसके ऊपर आपकी स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये स्प्रिंग लगी हुई है और ये आपके वॉल का स्पिंडल है, यहां यहां एक छेद होगा जिससे कि ये वॉल ऊपर जा सकता है, ठीक है। जैसे ही यहां से प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ही यहां से प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर से प्रेशर कम होगा, तो ये वॉल पे एक ऊपर की साइड फोर्स लगेगा और ये वॉल बाहर की साइड खुल जाएगा। जैसे ही बाहर की साइड खुलेगा, अब आप देखोगे कि आपका वॉल जो है वो यहां पे आ गया है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर। और अब आपकी स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, आपकी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, वॉल ऊपर लिफ्ट हो गया, एयर जो है अब आपकी कंप्रेस्ड एयर जो है वो यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द डिलीवरी वॉल वर्क्स, ठीक है। ये दोनों स्पेशल टाइप के वॉल होते हैं, बताऊंगा कैसे दिखते हैं दोनों, ठीक है। बट क्या ये सबको समझ में आ रहा है, वॉल ऊपर हो जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी, समझ में आ रहा है, वॉल ऊपर हो जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी। सो दोनों वॉल आई सपोज समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बट लोगों का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सर यहां पे 10 बार का प्रेशर है, यहां पे क्या प्रेशर है, यहां पे 10 बार का प्रेशर है, यहां पे क्या प्रेशर है। अगर आप देखना चाहोगे तो वहां पे भी आपका सिलेंडर में ऑलरेडी आपने एयर कंप्रेस करके रखी हुई है, ऑलरेडी यहां पे एयर कंप्रेस्ड एयर बैठी है जो प्रीवियस स्ट्रोक्स में आपने डाली है, ठीक है। जब आप कंप्रेशन प्रोसेस शुरू करते हो, जब आपकी बोतल खाली है, अगर आपकी बोतल खाली है तो उसमें कोई एयर नहीं थी, तो आपका एयर कंप्रेसर जब उसमें डिलीवर करना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो डिलीवर करेगा 1 atmosphere की एयर, फिर वो डिलीवर करेगा 1.5 atmosphere की एयर, फिर वो डिलीवर करेगा 2 atmosphere की एयर। धीरे धीरे करके देखोगे कि बोतल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, 2, 2.5, 3, 3.5, 6, 7, 8, 9, 9.9 and then 10। तो अब आपकी यहां पे जो एयर बैठी है वो 10 बार पे बैठी है और अब हम देख रहे हैं कि आपका 10 बार का अगर एयर यहां पे है तो कंप्रेसर कैसे डिलीवर करेगा।
तो जैसे ही आपकी एयर यहां पे 10 बार पे है, जब तक ये सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 10 बार नहीं हो जाता, तब तक ये डिलीवरी वॉल्व नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से 10 बार का प्रेशर है, अंदर से अगर 9 बार का ही प्रेशर हुआ तो बाहर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है। बाहर से अगर 10 बार का प्रेशर है, अंदर से 9 बार का प्रेशर है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, वॉल्व बंद रहेगा। बट अगर बाहर भी 10 बार का प्रेशर है और नीचे से भी 10 बार का प्रेशर है, अब आपका वॉल्व न्यूट्रल फोर्स में बैठा है। जैसे ही अंदर का प्रेशर 10.1 बार होगा, अब यह वॉल्व ऊपर जाने के लिए रेडी है। समझ में आ रहा है? तो सिलेंडर के अंदर जब तक प्रेशर 10 बार नहीं आएगा, तब तक यह वॉल्व नहीं खुलेगा, यह वॉल्व बंद रहेगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस पिस्टन को थोड़ा सा और मूव करवा रहे हो। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा सा और मूव करवाया। जैसे ही आपने इस पिस्टन को यहां से यहां मूव करवाया, अगर यह वॉल्व बंद रहता तो यह प्रेशर 10 बार से 15 बार हो जाता। अगर यह वॉल्व बंद रहता तो आपका प्रेशर यहां पे, बिकॉज कंफाइन हो जाते हैं ये 3 और 3 6 और 2 8, ये जो 8 मॉलिक्यूल हैं, ये बेसिकली आपके यहां से यहां आ जाते। जैसे ही ये यहां आते, अब डेंसिटी यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये वाला वॉल खुल जाएगा। जैसे ही ये वाला वॉल खुलेगा क्या होगा, ठीक है, मान लो ये आपके जो मॉलिक्यूल हैं, इनको मैं क्या करता हूं, थोड़ा व्हाइट कलर से बना देता हूं, जिससे कि आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो ये वाले मॉलिक्यूल जो है, ये आपके व्हाइट वाले कलर से बना देता हूं, जिससे कि पता लगे कि ये 10 बार पे ही बैठी है। ठीक है, जैसे ही आपका ये वाला एयर, ये वाला वॉल खुलेगा, ये वाले मॉलिक्यूल जो है, ये वाले मॉलिक्यूल उठ के बाहर ऐसे जाएंगे अंदर। जो भी ये 10-11 मॉलिक्यूल है, 2 2 4 2 6 7, तो 7 मॉलिक्यूल यहां अंदर चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि यही 7 जाएं, इसके वॉल के पास में जो रहेंगे वो 7 चले जाएंगे। तो जब 7 मॉलिक्यूल चले जाएंगे, तो अब आपकी पिस्टन जो है वो आगे मूव कर गई है और यहां पे 7 मॉलिक्यूल यहां पे आ गए। जब आप ये देखोगे तो पता चलेगा कि 7 मॉलिक्यूल एयर जो है वो डिलीवर हो गई है और पिस्टन आपकी यहां से यहां आ गई है। फिर आप अपनी पिस्टन को और आगे ले जाओगे। जब इस पिस्टन को और आगे लेके जाओगे तो आपके बाकी के जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये और अंदर चले जाएंगे। फिर आप अपनी पिस्टन को यहां पे लेके जाओगे। जैसे ही आपने टॉप डेड सेंटर पे लेके गए, जो बचे खुचे 2-3 मॉलिक्यूल थे वो भी ऊपर पुश हो गए और सारे यहां पे जाके बैठ गए। ठीक है, सारे यहां पे 10 बार पे बैठे हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां आ गए, तो यहां पे जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल थे वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहां पे जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल थे वो ऊपर चले जाएंगे। ये केस बिल्कुल वैसा ही होता है, ये केस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मान लो आपकी एक बस है। ठीक है, इस बस के अंदर देखो कंप्रेशन प्रोसेस कैसा होता है, बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, इस बस के अंदर पहले कोई भी आदमी नहीं था, फिर इस बस के अंदर एक आदमी आया। जब एक आया तो कहीं भी आराम से बैठ जाएगा, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करते करते एक एक आदमी आके आना शुरू हुआ। उसके बाद में नया बंदा आता है, जब नया बंदा आता है तो अब देखता है कि सीट कहीं अवेलेबल नहीं है, तो वो यहां पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद में यहां पे खड़ा हो जाएगा, यहां पे खड़ा हो जाएगा, यहां पे खड़ा हो जाएगा, यहां पे खड़ा हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो अब अगर नया बंदा आएगा तो कहां जाएगा, तो वो क्या करेगा, इन्हीं के बीच में कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। जब इन्हीं के बीच में एडजस्ट हो रहा है तो बेसिकली देखो तो इस वॉल्यूम के अंदर मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहां से बाहर से एक और आदमी को लेके आओगे। जब एक और आदमी आएगा तो क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ये वाला थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा, ये वाला थोड़ा सा और आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, और जो नया आदमी आ रहा है वो यहां पे आके खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है जो गैलरी में लोग खड़े होते हैं, मेट्रो में चढ़े होगे या फिर बस के अंदर चढ़े होगे, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो यहां पे अब आपके आदमी यहां 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 खड़े हो गए। बट अब अगर एक और नया बंदा आ जाए तो क्या होगा, जब एक और नया बंदा आएगा तो इसको थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे, इसको थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे, करते करते फाइनली वो बंदा यहां आके खड़ा हो जाएगा। सो एक और नया आपको देखोगे तो ऐड हो गया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे बस के अंदर आपको पता चलेगा एकदम खचाखच भर गई है बस, प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो वैसा ही केस सेम यहां पे होता है। ठीक है,
आपकी जो बोतल है उस बोतल के अंदर पहले कोई कुछ नहीं था, फिर एक एयर आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते धीरे धीरे करके जैसे जैसे एयर अंदर आते जा रही है आपका प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है भैया? क्लियर है ये सब लोगों को? क्या अभी तक समझ में आया सब कुछ? ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज द सिंपल रेसिप्रोकेटिंग एयर का कंप्रेशन प्रोसेस होता है। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रोसेस में अगर देखो तो तीन प्रोसेस आपके मैंने डिफाइन किए हैं, जो आपका पिस्टन यहां से जाके यहां तक आता है और यहां से जाके वापस यहां तक आता है, इस पूरे प्रोसेस में तीन प्रोसेस हुए हैं। पहला प्रोसेस, जब आपकी पिस्टन यहां से यहां तक जाती है तब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तब आपकी एयर जो है वो एटमोस्फेयर से उठ के सिलेंडर के अंदर आती है। एयर जो है वो एटमोस्फेयर से उठ के सिलेंडर के अंदर आ रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सक्शन। क्लियर है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सक्शन। दूसरे प्रोसेस में आपका यहां से पिस्टन चलता है, यहां पे दोनों वॉल बंद है, अब आपकी पिस्टन मूव कर रही है, मूव करते 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 आपकी पिस्टन आती है यहां तक, ठीक है, इस लोकेशन तक आती है। जब तक इस लोकेशन तक नहीं आती है, इतनी दूर में आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर सिर्फ आपका एयर के ये दोनों वॉल बंद है और एयर का कंप्रेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन में आपका क्या हो रहा है? आपकी एयर का प्रेशर एक बार था, एक बार से होते 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 यहां पर आते आते कंप्रेशन प्रोसेस में आपका प्रेशर 10 बार हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस है। इसके बाद में तीसरा जो प्रोसेस होता है वो यहां से लेके यहां तक होता है। इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो आपकी एयर को बेसिकली इस पाइप के अंदर पुश किया जा रहा है। प्रेशर नहीं इंक्रीज होता है। पाइप का अगर प्रेशर 10 है, यहां पे प्रेशर जो है वो 10.1 ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज होता है। ठीक है, सो यहां पे अगर 10 बार का प्रेशर है तो आपके सिलेंडर के अंदर भी 10.001 रहेगा और अब आपका प्रोसेस जो होगा वो यहां से यहां तक मूव करेगा। इस पूरे प्रोसेस में मैंने कहा था कि जैसे ही आपकी पिस्टन यहां आएगी ये मॉलिक्यूल उठ के चले गए, फिर आपकी पिस्टन यहां आई ये मॉलिक्यूल उठ के चले गए, फिर फाइनली यहां आई आपके पूरे मॉलिक्यूल उठ के चले गए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिलीवरी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिलीवरी। तो आपके तीन प्रोसेस हो रहे हैं, सक्शन, कंप्रेशन एंड डिलीवरी। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है? क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, तो चलो अगर समझ में आ गया तो अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज अ सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट is a piston cylinder arrangement with delivery and suction valve. ठीक है, with delivery and suction valve. These valves are very special. These valves are very special valves which will only open
which will only open when there is a pressure difference, across the valve. समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? सबको समझ में आ गया? देखो, प्रेशर डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक साइड में खोलता है, दूसरी साइड में नहीं अलाउ करता है। आपका ये वॉल जो है, ये डिलीवरी वाला वॉल है, ये सिर्फ ऊपर उठ सकता है, ये नीचे नहीं आ सकता। नीचे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये डिलीवरी वॉल का ये सीट है जहां पे डिलीवरी वॉल आके बैठेगा, ये वाला इसका सीट है जहां पे ये आके बैठ रहा है, और ये ऑलरेडी यहां पे बैठा हुआ है। तो जब तक नीचे वाला प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा, ठीक है? तो जब सिलेंडर के अंदर कम प्रेशर है या वैक्यूम है, ये वॉल हमेशा बंद रहेगा। क्लियर है? तो ये एक ही साइड खुलता है जब इसको डिलीवर करना है, ये दोनों साइड नहीं खुलेगा। ओके, सिमिलरली आपका ये है, ये वाले वॉल का सीट जो है ये ऊपर है और ये बैठा नीचे से है। इसको स्प्रिंग क्या कर रही है? ऐसे ऊपर पुश कर रही है। तो जैसे ही अंदर वैक्यूम होगा तभी ये खुलेगा। जब अंदर ज्यादा प्रेशर होगा तो ये वॉल लगा के बंद करके रखेगा इसको। नीचे से अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वॉल सीट पे बैठा रहेगा, खुलेगा नहीं। तो जब तक सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर है, ये वॉल नहीं खुलेगा। ये ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, जब तक आपका सिलेंडर के अंदर ये वाला वॉल है, ये ऐसे बैठा हुआ है, ये वाला वॉल सिलेंडर के अंदर ऐसे बैठा हुआ है, तो जब तक सिलेंडर में ज्यादा प्रेशर है, जब तक यहां से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ये वॉल नीचे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये वॉल ऊपर ही बंद रहेगा। ये वॉल तभी नीचे आएगा जब यहां पे प्रेशर कम हो जाए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आप इसको गौर से देख के रखना, बिकॉज आधे घंटे बाद में मैं इसको फिर से यूज करूंगा। समझ में आ गया सबको ये? ओके, ये वॉल जो होते हैं ये बहुत ही स्पेशल वॉल होते हैं। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज प्लेट टाइप वॉल्स। अभी हमने कहा है कि आपका वॉल्व जो है वो ऐसे बैठा रहता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी वॉल सिलेंडर के अंदर नहीं बैठता है। एयर कंप्रेसर और आपके आईसी इंजन में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि आईसी इंजन के दोनों वॉल्व अंदर होते हैं। आईसी इंजन के दोनों वॉल्व अंदर होते हैं जो अंदर की साइड खुलते हैं, बट एयर कंप्रेसर के दोनों वॉल्व बाहर होते हैं, और बाहर से ही एक अंदर की साइड खुलेगा, एक बाहर की साइड खुलेगा। ये बहुत ही स्पेशल वॉल्व होते हैं जिनको प्लेट टाइप वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है, बट ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसके जो वॉल्व होते हैं वो अगर आप देखना चाहो कि कैसे दिखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये दोनों वॉल कैसे दिखते हैं तो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है मेरे पास में। ये आपका प्लेट टाइप वॉल होता है, दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, इस वीडियो को मैं प्ले करूंगा। जब इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वॉल कैसे बंद हो रहे हैं। The seat and guard of the dampened disc valve is available in a standard steel or in stainless steel for corrosive applications. देखो इधर, ये वाला वॉल जो है ये सक्शन वॉल है जो कि आपकी एयर को सिलेंडर के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, ये क्या करता है? ये इसका सिलेंडर ऐसे होता है और बाहर से बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अंदर की साइड इसकी स्प्रिंग खुलती है और ये यहां नीचे एयर लेके जा रहा है। ठीक है, देखो गौर से देखो। The engineering team at CDI will specifically design your valves to precisely match your operating environment. Long and reliable life under high speed and high pressure differential. See, अभी क्या हो रहा है? यहां पे दो सक्शन वॉल लगे हुए हैं और ये ऊपर जो दो दिख रहे हैं ये डिलीवरी वॉल है। ठीक है, यहां ऊपर दो सेक्शन है जिनसे ब्लू एयर आएगी और दो डिलीवरी वॉल होंगे जिनसे बाहर एयर जाएगी रेड कलर की, वो देखना। देखो, सुपीरियर रेजिस्टेंस टू सावर गैस एंड डर्टी गैस एनवायरनमेंट्स इज द हॉलमार्क ऑफ द सीपीआई डैम्पेंड डिस्क वाल्व। कांटेक्ट सीपीआई डायरेक्टली और वन ऑफ इट्स मेनी सेल्स इंजीनियर्स टुडे
for a custom dampened disc valve or plate valve configured for your operations. Long. देखो यहां पे आपका पूरा एक कंप्रेसर का उसने एनिमेशन बनाया है, ठीक है, कंप्रेसर का पूरा एनिमेशन है। इसमें अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे आपका वो क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट, और ये आपकी पिस्टन है। ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर रही है। ये पिस्टन जो है ये डबल एक्टिंग है, मतलब इसके दो सिलेंडर हैं, एक यहां पीछे कंप्रेशन हो रहा है, दूसरा आगे कंप्रेशन हो रहा है। तो ये ऊपर जाते वक्त भी एयर डिलीवर कर रही है, नीचे जाते वक्त भी एयर डिलीवर कर रही है। इसमें दो सिलेंडर लगे हुए हैं, एक ऊपर की साइड भी बंद है और नीचे की साइड भी बंद है। ओके, तो उन दोनों सिलेंडर में ये ऊपर जा रही है तब भी एयर को डिलीवर कर रही है, जब ये नीचे जाएगी तब भी एयर को डिलीवर कर रही है। तो ये पीछे वाले वॉल को आप अभी भूल जाओ, पीछे भी चार वॉल है। ये सामने वाले जो वॉल है, जब ये पिस्टन पीछे जाती है तब ये ब्लू वाले वॉल खुलते हैं, ये वाले दोनों ब्लू है, ठीक है, और जब ये पिस्टन आगे आती है तब ये रेड वाले वॉल खुलते हैं। देखना दोनों वॉल बाहर लगे हुए हैं, दोनों वॉल बाहर लगे हुए हैं और दोनों ही खुलते हैं। यहां पे कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं है। ये बेसिकली इसको बोला जाता है प्लेट टाइप वॉल, ठीक है। ये प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर आपका वॉल बैठा होता है और वो ऐसे ऐसे खुलता है, ठीक है। डिलीवरी वॉल में ऐसे बाहर ऊपर की साइड खुलता है और सक्शन वॉल में नीचे की साइड खुलता है। और ये प्लेट जो होती है ये डिलीवरी वॉल में नीचे होती है, सक्शन वॉल में ऊपर होती है। ये वाला अगर डिलीवरी वॉल है, ठीक है, तो इसका प्लेट जो ये वाला वॉल डिलीवरी वॉल है तो इसकी प्लेट नीचे होगी और इसके ऊपर जो स्प्रिंग लगी होगी उसमें से आप एयर जाएगी। उसके उल्टा सक्शन वॉल जो होता है उसमें प्लेट ऊपर होती है और वो नीचे की साइड खुलती है, तो वो ऊपर चिपकी हुई है और वो नीचे खुलेगी, ठीक है। नीचे जब खुलेगी तो वो यहां से ऊपर से खुल के नीचे ही आएगी, उसी वॉल के अंदर, उसी स्पेस के अंदर, ठीक है। तो यहां पे वापस देखो, and superior resistance to sour gas and dirty gas environments is the hallmark of the CPI dampened disc valve. Contact CPI directly or one of its many sales engineers today for a custom dampened disc valve or plate valve configured for your operations. समझ में आया सब लोगों को? Is it clear to everyone? These are very special type of walls which are actually the plate walls. ओके और उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, सक्शन डिलीवरी करवाते हैं। समझ में आ गया? आईसी इंजन वॉल ऑपरेट बाय कैमशाफ्ट बट हेयर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यस, वेरी गुड। यहां पे जो वॉल्स होते हैं दोज ओपन ओनली ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उनको बाहर से मैन्युअली कोई नहीं खोलता है। जब उनकी मर्जी होती है तभी खुलेंगे, जब मर्जी नहीं होती है तो नहीं खुलेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो ये हमने देख लिया छोटा सा एक राइटअप आपके कंप्रेसर का, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। अगर मान लो मुझे इसका पीवी डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? लेट्स से दिस इज योर प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज योर वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम अगर डायग्राम बनाना है मुझे तो सबसे पहले आपका पिस्टन कहां पे है? सबसे पहले आपका पिस्टन कहां पे है? सबसे पहले मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है। जब टॉप डेड सेंटर पे है तो सिलेंडर के अंदर कोई एयर नहीं है, ठीक है। अब आपके पिस्टन जो है वो पीछे मूव करना शुरू करती है। जैसे ही आपके पिस्टन पीछे मूव करना शुरू करेगी, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर पिस्टन आपके पीछे मूव कर रही है, तो अब आप देखोगे कि यहां पर एयर भर गई है, ठीक है, यहां पर एयर आ गई है। तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? This is the volume of air inside the cylinder, ठीक है। So let's say किसी location पे आपका air जो है उसका volume है इतना, ठीक है, और यहां पे pressure क्या होगा cylinder के अंदर? आपका पीछे air, आपकी piston पीछे जा रही है और air cylinder के अंदर भर रही है। तो अगर आप देखोगे तो आपका यहां से ये वॉल खुला हुआ है और अब आपका पूरा जो सिलेंडर है वो बेसिकली एटमोस्फियर से कनेक्टेड है। जब वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, अगर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पाइप के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और सिलेंडर के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जस्ट थोड़ा सा कम प्रेशर होगा, थोड़ा सा कम,
0.995, 0.998, ठीक है, थोड़ा सा कम प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तभी तो वॉल खुल रहा है और एयर अंदर आ रही है, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर आपका प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो हम फॉर ऑल पर्पसेस वी आर अज्यूमिंग कि आपका प्रेशर जो है वो एक ही एटमोस्फियर है। वैसे थोड़ा सा कम होगा प्रैक्टिकली, बट आइडियल केस में लेते हैं कि आपका एक एटमोस्फियर है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आपका यहां से यहां तक मूव कर गया है। पहले आपका वॉल्यूम जीरो था, जैसे जैसे आपकी पिस्टन आगे जा रही है वैसे वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ये पिस्टन जो है ये यहां से मूव करते 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 यहां तक फाइनली अपने बॉटम डेड सेंटर तक आ जाएगी। जब बॉटम डेड सेंटर तक आ जाएगी तो आपका वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते बॉटम डेड सेंटर तक आ गया। लेट्स से दिस इज योर लोकेशन वन, ठीक है। अब आपका पूरा स्ट्रोक खत्म हो गया है, पिस्टन अपने बॉटम डेड सेंटर पे आ गई है, इनलेट वॉल जो है अब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पिस्टन कंप्रेसर करना शुरू करेगी। तो पिस्टन जब कंप्रेशन करना शुरू करेगी तो अब आपका डिलीवरी वॉल्व बंद है, सक्शन वॉल्व बंद है, एयर आपके सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड है और पिस्टन अब उसका वॉल्यूम कम करेगी। तो एयर जो सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड है तो क्या यह मेरा क्लोज्ड सिस्टम हो गया? क्या यह मेरा क्लोज्ड सिस्टम हो गया? क्लोज सिस्टम में क्या करते हो भाई? क्लोज्ड सिस्टम में क्या करते हो? यह आपका क्लोज्ड सिस्टम है, इससे मास बाहर आगे पीछे नहीं जा सकता है, सिर्फ वर्क और एनर्जी जा सकती है, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर क्लोज्ड सिस्टम। अब आप क्या कर रहे हो? क्लोज्ड सिस्टम में वॉल्यूम कम कर रहे हो। अगर क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का वेरिएशन कैसे चलेगा? ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये प्रोसेस या तो हो सकता है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज योर आइसेंट्रोपिक, मतलब यहां पे डेल्टा क्यू है वो जीरो है, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये प्रोसेस हो सकता है टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब आइसोथर्मल, ठीक है, या फिर ये प्रोसेस हो सकता है पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। तो ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी आइदर आइसोथर्मल, इट कुड बी एडियाबेटिक, इट कुड बी पॉलीट्रॉपिक, तीनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ कंप्रेशन का हुआ, यहां पर आते आते आपकी एयर का प्रेशर जो है वो हो गया 10 bar। अब जैसे ही आपकी एयर का प्रेशर 10 बार से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 10.1 क्या होगा? 10.1 जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हुआ क्या होगा? थोड़ी सी एयर उठ के बाहर चली जाएगी। जब थोड़ी सी एयर उठ के बाहर चली जाएगी तो आपके सिलेंडर का प्रेशर जो है वो फिर से 10 bar हो जाएगा और अब आपकी पिस्टन थोड़ी सी आगे मूव कर गई है, इसका मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है और आपका प्रेशर फिर से ड्रॉप हो गया है। दिख रहा है ये सब लोगों को? क्या ये सब लोगों को दिख रहा है कि यहां पर आपका 10 bar प्रेशर था, यहां पर आपका 10 bar प्रेशर था, जैसे ही आपके पिस्टन यहां से थोड़ा अंदर आई, जैसे ही पिस्टन अंदर आई वॉल्यूम कम हुआ, आपका वॉल बंद था, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ ये प्रेशर 10.1 हुआ, जैसे ये 10.1 हुआ अब आपके वॉल को दिख गया कि अरे यार अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुलेगा कुछ एयर बाहर चली जाएगी। जब आपके पास में एक सिस्टम था इसका प्रेशर 10.1 बार है और अब अगर इसमें से मैं थोड़ी सी एयर बाहर फेंक दूं तो मास कम हो गया। जैसे ही मास कम होगा वॉल्यूम आपका सेम रहा, अब आपका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, प्रेशर फिर से 10 bar आ गया।
अब आपकी पिस्टन क्या करेगी, फिर से इधर मूव करेगी। जैसे ही पिस्टन फिर से इधर मूव करेगी, फिर से प्रेशर 10.1 बार हो जाएगा, और जैसे ही 10.1 बार होगा, थोड़ी सी एयर फिर बाहर गिर जाएगी। ओके, तो यहां पे आपका प्रोसेस जो है वो कुछ ऐसे ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बड़े पे बना के दिखाया है, बट इसको अगर आप देखोगे माइन्यूटली अगर जाके चेक करोगे, तो ये ऑलमोस्ट आपका प्रोसेस जो होता है ये कांस्टेंट प्रेशर जैसा ही होता है। ये आपका कुछ ऐसा चलेगा, ऐसा। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर एक्चुअल डिलीवरी विल टेक प्लेस। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपका डिलीवरी प्रोसेस जो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू पी डिलीवरी। ठीक है, तो अब आपके पिस्टन जो है उसने पूरी एयर को बाहर फेंक दिया है। जैसे ही उसने पूरी एयर को बाहर फेंक दिया, यहां आके अब आपकी पिस्टन वापस से बैठ गई है। जैसे ही पिस्टन यहां बैठ गई है, डिलीवरी वाला वॉल बंद हो जाएगा, सक्शन वाला वॉल अभी भी बंद है, पूरी एयर बाहर चली गई। अब आपका फिर से पिस्टन पीछे जाएगा। जब फिर से पिस्टन पीछे जाएगा तो अब आपका वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा, एयर अंदर आएगी, और जैसे ही एयर अंदर आएगी, फिर से आपका साइकिल यहां से शुरू होके आगे की साइड जाएगा। सो दिस बिकम्स योर वन साइकिल। क्या क्लियर है क्या सबको? ये समझ में आ रहा है क्या? ये सबको समझ में आया भैया? अरे जल्दी बताओ, क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया? कैसे चल रहा है आपका प्रोसेस? साइकिल कैसा चल रहा है? साइकिल अगर देखो तो आप यहां से शुरू कर रहे हो, दिस इज योर लोकेशन जीरो। जीरो से वन पे गए, वन से टू पे गए, टू से आप आ गए थ्री पे। थ्री पे आने के बाद में आपका पिस्टन जो है वो एक्चुअली में एयर जो है वो ऐसा मूव करती है नीचे। यहां पे हाई प्रेशर था, जीरो वॉल्यूम, यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर, जीरो वॉल्यूम। तो जैसे ही आपकी पिस्टन पीछे जाना शुरू करेगी, सिलेंडर के अंदर सीधा प्रेशर डिलीवरी से वैक्यूम पे आ जाएगा। ठीक है, सो डिलीवरी से आपके इस वाले प्रेशर पे आ जाएगा, दिस इज योर पी एटमोस्फेरिक। समझ में आया? तो ये आपका एक साइकिल हो गया, और साइकिल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब आपका वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होगा ये। समझ में आ रहा है सबको? ये क्लियर है ये? अरे दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है सर, सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके, तो अब अगर मान लो मैं लिखना चाहूं प्रोसेसेस, प्रोसेस 0 to 1, 0 to 1 क्या है? सक्शन प्रोसेस। ओके, सक्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आपका चल रहा है। 1 to 2 क्या हो जाएगा प्रोसेस? 1 to 2 इज योर कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, 1 to 2 इज योर कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड 2 to 3 इज योर डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, डिलीवरी प्रोसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो ये आपका साइकिल चलता है। अरे कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई भी डाउट है, कुछ चीज दिमाग में नहीं घुसी हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कैसे वॉल खुल रहा है, कैसे वॉल बंद हो रहा है, कैसे पिस्टन जा रही है, कैसे एयर कंप्रेस हो रही है, कैसे सक्शन कर रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, सब क्लियर है? एकदम धड़ल्ले से अच्छे से क्लियर है? अगर अच्छे से क्लियर है तो अब चलते हैं हम इसके एनालिसिस पे, और हम निकालेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डू द कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप देखोगे तो आपकी एयर पे एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रहा है। उस साइकिल के अंदर अगर आप देखोगे तो इतना वर्क पीडीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे, जो भी आपका साइकिल होता है पीवी डायग्राम पे, अगर कोई भी साइकिल चल रहा है तो उस साइकिल का जो भी एरिया होता है, ये वाला एरिया, दैट इज नथिंग बट द वर्क रिक्वायर्ड। तो अगर आप देखोगे एयर कंप्रेसर जो है उसके लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी दिस वर्क
रिक्वायर्ड। और इस वर्क को आप एक्चुअली में कह सकते हो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ VDP, ठीक है। अगर मान लो आपका कंप्रेशन प्रोसेस चलता है 1 to 2 आपका कंप्रेशन प्रोसेस चल रहा है तो इसके इस वाले एक्सिस पे इंटीग्रेट करोगे तो ये वर्क मिल जाएगा आपको, कंप्रेसर का वर्क, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल ऑफ VDP, ठीक है। सब समझ में आ गया। W isothermal इज लेस देन W isentropic, लगता है तुमने ब्रेटन साइकिल पढ़ा है, ठीक है। W isothermal इज लेस देन W isentropic, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हमने फिजिकली देख लिया कि कैसे वर्क आ रहा है, बिकॉज हमें पता है कि अगर वर्क होगा दैट विल बी नथिंग बट ये वाला, और ये डायग्राम को हम लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन। बट हम क्या करना चाहते हैं, मैं फिजिकली देखना चाहता हूं कि सर ये एक्चुअली में है क्या, ये VDP आ क्यों रहा है, मुझे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही इस वर्क की। तो अब हम लेते हैं फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिजिकल वर्क एक्चुअली में क्या हो रहा है उसकी हम फिजिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ओके। सो वर्क रिक्वायर्ड, हेडिंग डालो वर्क रिक्वायर्ड इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को, वेरी गुड। एक काम करो, अपनी नोटबुक वगैरह सब रख दो, पेन नीचे रख दो, ध्यान से मेरी तरफ बात सुनो और फटाफट मेरे को आंसर दो, सुनो बस मेरी बात, ठीक है, मेरी बात सुनो, उसके बाद में आप सब कुछ करना, ठीक है। पहले यहां पे जवाब दो। मान लो मेरे पास में एक पिस्टन है, मेरे पास में एक छोटा सा पिस्टन है, ठीक है, दिस इज वन पिस्टन दैट आई हैव। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पिस्टन बनाया था, ठीक है, ये एक पिस्टन हमने कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है, और इस पिस्टन को हमने कलर कर दिया था बड़ा वाला, ठीक है, इसको हमने कलर कर दिया था कुछ ऐसे, अरे था ये ऐसा ही पिस्टन था कुछ, ठीक है, इसको कलर भरा था, ये मान लो आपका पिस्टन है, ठीक है, देख के अच्छा लगना चाहिए बिकॉज वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका पिस्टन है। इस पिस्टन को अगर आप देखो तो इस पिस्टन का लेट्स से दिस इज योर पिस्टन, ठीक है, ऐसा कुछ है, ओके। अब मेरे को बताओ, जल्दी से फटाफट मेरे को बताना, मान लो ये पिस्टन है, इसका एरिया है ए, इसका एरिया है ए, और इसके ऊपर आपने क्या किया है, एक कांस्टेंट प्रेशर की एयर लगाई है, दिस इज योर कांस्टेंट प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन द पिस्टन, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है जो आपके पिस्टन पे एक्ट कर रहा है, लेट्स से दिस इज योर प्रेशर पी, ठीक है। कौन मेरे को बताएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन, व्हाट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन, जल्दी बताओ। क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये फोर्स होगा जो इस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स होगा जो इस पिस्टन पे लग रहा है। अगर ये फोर्स इस पिस्टन पे लग रहा है तो ये फोर्स इस पिस्टन को आगे की साइड भी धकेलेगा, और अगर ये फोर्स इस पिस्टन को आगे की साइड धकेलता है, मान लो आपकी पिस्टन जो है वो यहां से जाके यहां तक मूव कर जाती है, एंड लेट्स से दिस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, आपकी पिस्टन जो है वो ऐसे मूव की है, जब ऐसे मूव की है तो इस पे डिस्टेंस जो मूव हुआ है वो LS हुआ है, अगर ये LS मूव हुआ है तो कौन मेरे को बताएगा व्हाट इज द वर्क डन ऑन पिस्टन, पिस्टन पे कितना वर्क किया गया है, कौन टैलेंटेड बंदा मेरे को बताएगा वर्क डन ऑन पिस्टन। क्या मैं लिख सकता हूं वर्क डन ऑन पिस्टन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रोक LS, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स इज नथिंग बट P इंटू
एरिया मल्टीप्लाइड बाई एल एस. एंड वॉट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाई एल एस? इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम. ठीक है. सो लेट्स से आपका पिस्टन जो था वो मूव करता है. जब ये मूव कर रहा है तो इसका जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, दिस इज द वर्क डन. ओके. सो दिस कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू वॉल्यूम वी एस. ठीक है. इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर है कि नहीं? ठीक है. अगर ये समझ में आ रहा है तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इस पिस्टन को मॉडिफाई करता हूं. यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं देखो पिस्टन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं. ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब क्या कर रहा हूं, इस पिस्टन के चारों तरफ, इस पिस्टन के चारों तरफ एक सिलेंडर बनाना चाहता हूं. ठीक है. इस पिस्टन के चारों तरफ एक सिलेंडर बनाना चाहता हूं. ये मैंने बना दिया मेरा सिलेंडर. और जब मैंने ये सिलेंडर बनाया तो अब मेरी एयर जो थी, मान लो इस सिलेंडर के अंदर एयर भरी हुई थी, और अब आपका पिस्टन जो है वो यहां से यहां तक मूव करता है, तो जब वो इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है तो लेट्स से जब वो इनिशियल, जब वो पिस्टन इनिशियल में था, इनिशियल पोजीशन पे था. इनिशियल पोजीशन क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन है यहां से लेके यहां तक. ये इसकी इनिशियल पोजीशन है. पिस्टन आपका ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन पे था. ठीक है. तो इस इनिशियल पोजीशन पे भी इस सिलेंडर के अंदर कुछ वॉल्यूम रहा होगा. जब पिस्टन इनिशियल पोजीशन पे है तो कुछ वॉल्यूम रहा होगा. तो लेट्स से दैट लोकेशन इज, और दैट वॉल्यूम इज योर वी वन. ये जो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, दैट इज योर वी वन. ठीक है. और फाइनली जब आपकी पिस्टन है जो यहां से लेके यहां तक आ जाती है, जब आपका स्ट्रोक खत्म हो जाता है तो आपकी पिस्टन यहां तक आ गई है. अब सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है, दैट इज योर वी टू. ठीक है. सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है वो है वी टू. तो अगर मैं देखना चाहूं व्हाट इज योर एल एस इनटू एरिया ए, व्हाट इज योर एल एस इनटू एरिया ए, विच इज नथिंग बट पिस्टन जो है वो यहां से लेके यहां तक गई है, तो ये जितना वॉल्यूम हुआ होगा, क्या ये वही वॉल्यूम होगा? जितना भी ये एल एस इंटू ए है, क्या ये वही वॉल्यूम है जो इस पिस्टन ने स्वीप किया है? क्या इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन? जल्दी बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एक बंदे ने लिख दिया वी टू माइनस वी वन. लिख सकता हूं कि नहीं? और अगर इसको मैं V2 माइनस V1 लिख सकता हूं तो क्या यहां पे डायरेक्टली मैं लिख दूं, यहां पे डायरेक्टली मैं लिख दूं P इंटू V2 माइनस V1? ठीक है. यहां पे डायरेक्टली लिख दूं P इंटू V2 माइनस V1. एंड व्हाट इज दिस P इंटू V2 माइनस V1? दिस इज नथिंग बट वर्क डन ऑन द पिस्टन. ओके. सो मैंने लिखा है वर्क डन ऑन द पिस्टन. तो मैं अगर लिखना चाहूं व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर, बाय एयर ऑन पिस्टन, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन डब्ल्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन? दैट इज नथिंग बट पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जल्दी बताओ कि सर हां ऐसा लिख सकते हो आप. जल्दी बताओ ऐसा लिख सकता हूं क्या भैया? जल्दी बताओ. किसी को कोई डाउट? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. मेरी स्क्रीन में बारह लोगों का दिख रहा है, बारह का ही दिख सकता है ज्यादा से ज्यादा. तो 12 लोगों को तो समझ में आ गया है, और ऊपर जो गए होंगे उनको भी शायद समझ में आ गया होगा. तो 20-25 लोगों को तो समझ में आ गया. बाकी लोग,
बाकी लोगों को क्या है, समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका रेस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। देखो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या सबको समझ में आ गया? क्योंकि एक मिनट बाद में तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा और बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। एक मिनट के बाद में तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा और तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन दैट इज इक्वल टू पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम हमारे एनालिसिस की तरफ, प्रोसेस प्रोसेस 0 to 1। प्रोसेस 0 to 1 क्या है? कंप्रेशन में 0 to 1 प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर इनलेट से एयर जो आ रही है दैट इज सक्शन। सो कांस्टेंट प्रेशर सक्शन प्रोसेस है कि नहीं? तो उस कांस्टेंट प्रेशर सक्शन प्रोसेस में आपकी पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है। आपकी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है, तो क्या मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन, वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन दैट इज नथिंग बट पी एटमोस्फियर मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, एंड दिस बिकम्स पी एटमोस्फियर इनटू वी फाइनल इज वी वन, वी इनिशियल इज जीरो। सो वर्क डन बाय एयर ऑन द पिस्टन इज नथिंग बट पी एटमोस्फियर इनटू वी वन, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज पी वन वी वन डब्ल्यू 0 to 1। जल्दी बताओ, वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन इज इक्वल टू पी वन वी वन, क्या ये कह सकते हैं? जल्दी बताओ क्या ये कह सकते हैं? क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पी वन वी वन वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है डन बाय एयर, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, डन बाय एयर ऑन पिस्टन दैट इज नथिंग बट पी वन वी वन, दिस इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन। वेरी गुड। ठीक है, अब अगर हम देखें, सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी पी वन वी वन, अगर आप अपना एरिया देखना चाहते हो, अगर आप अपना पीवी डायग्राम देखना चाहते हो, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वांटिटी पी वन इंटू वी वन है दैट इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी, ये वाला एरिया, ये वाला जो नीचे का एरिया है दिस इज इक्वल टू पी वन वी वन, ये आपका पी वन है, पी वन और वी वन यहां तक है, तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज योर पी वन वी वन। ठीक है, दिस एरिया इज योर पी वन वी वन, दिस इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन। समझ में आ गया? क्लियर है ये सब लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रोसेस, प्रोसेस नंबर टू। व्हेन वी गो टू प्रोसेस नंबर टू, सेकंड प्रोसेस इज कंप्रेशन प्रोसेस। जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है? कंप्रेशन प्रोसेस जो है वो आपका कैसे चल रहा है, अगर पीवी डायग्राम पे मैं दिखाऊं, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम, अब आपका प्रोसेस जो है वो ऐसा चल रहा है, दिस इज हाउ योर प्रोसेस इज गोइंग, दिस इज योर लोकेशन वन, दिस इज योर लोकेशन टू। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये जो कर्व है ये अलग अलग तरीके से चल सकता है, ये आइसोथर्मल भी हो सकता है, ये आइसेंट्रोपिक भी हो सकता है, ये पॉलीट्रोपिक भी हो सकता है, सो इट डिपेंड्स कि आपका ये प्रोसेस कैसा चल रहा है। मान लो इस प्रोसेस को मैं जनरल प्रोसेस लिखता हूं विच इज द पॉलीट्रोपिक। ठीक है, आइसेंट्रोपिक अगर प्रोसेस चलेगा तो ये n इक्वल टू गामा हो जाएगा, अगर आइसोथर्मल चलेगा तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अपना अपना अलग अलग केस चला सकते हैं।
ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में यहां पे हीट ट्रांसफर होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जनरली जो आपका एयर कंप्रेसर होता है उसका प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि यहां से हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रोसेस एडियाबेटिक चलता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस चलता है। तो कोई मेरे को बता सकता है क्या व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन इन प्रोसेस 1-2 W12, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर। आपकी एयर जो है या फिर आपके पिस्टन जो है वो A1 से जा रही है A2 की तरफ, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर। मैं पूछना चाहता हूं व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर। देखो जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा बट शायद हो सकता है ढंग से नहीं पढ़ा हो, या फिर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा। ठीक है, सो अगर मान लो मेरा प्रोसेस चल रहा है यहां से यहां, दिस इज योर प्रोसेस 1-2, सो व्हाट इज द वर्क डन दैट यू एक्चुअली कैलकुलेट इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो आप वर्क कैलकुलेट करते हो P1V1 - P2V2 / N-1, दिस इज व्हाट यू राइट W, दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन क्या होता है, whether this is the work done by air on piston or it is the work done by piston on air, इन दोनों में से कौन सा वर्क होता है, ये जो वर्क होता है ये कौन सा वर्क होता है। एक्चुअली अगर थर्मोडायनेमिक्स में देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क सारे वो लिखते हैं जिसमें हमारी एयर वर्क करती है। थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं Those are always when your system is doing work. और आपका system क्या होता है, अगर आपका piston cylinder arrangement है और इसके ऊपर ये piston लगी हुई है तो आपका system जो होता है this air, ये आपका air system है। तो अगर air system है तो air कितना work कर रही है वो जनरली हम लिखते हैं। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन। अगर आपका प्रोसेस 1-2 चल रहा है तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी W12, वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन। और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज P1V1 - P2V2 / N-1, N इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और ये वर्क कितना वर्क होता है, मान लो ये मेरा पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये कौन सा वर्क होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है या इसका एरिया क्या होता है। क्या मैं लिख दूं कि इसका एरिया ये वाला एरिया है, बिकॉज ये कंप्रेशन के अंदर चल रहा है ये प्रोसेस। क्या मैं लिख दूं कि इसका ये वाला एरिया है, दिस इज योर P1V1 - P2V2 / N-1, लिख दूं ये एरिया, क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस है, यह आपके ओपन फ्लो ओपन सिस्टम में चल रहा है तो VDP वाला एरिया होगा, लिख दूं ये एरिया। कितने लोग कहते हैं यस सर लिख दीजिए, कितने लोग कहते हैं कि यस सर लिख दो। एक्सीलेंट गाइज, एक्सीलेंट, मजा आ रहा है मेरे को पढ़ा के, मेरे को जबरदस्त मजा आ रहा है। ये एरिया जो आप यहां पे लिख रहे हो ये क्लोज्ड सिस्टम का वर्क है, और क्लोज्ड सिस्टम का जो वर्क होता है दैट इज दिस वर्क, ये वाला वर्क। सो दिस इज योर P1V1 - P2V2 / N-1, ये वाला एरिया है, अरे इधर वाला एरिया नहीं है। आपका कंप्रेशन प्रोसेस जो चल रहा है वो क्लोज्ड सिस्टम की तरह चल रहा है। मैंने बताया था जब आपके पिस्टन BDC पे होती है उससे जब तक 10 बार का प्रेशर नहीं आ जाता है, जब तक यहां से चलती है तब तक यहां तक जब तक नहीं आ जाती है तब तक दोनों वॉल बंद होते हैं,
एयर कन्फाइंड होती है और उस बिचारी एयर को आप ऐसे जबरदस्त प्रेस कर रहे हो और जबरदस्त जब प्रेस करते हो तो वो क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है और जब अगर क्लोज्ड सिस्टम बन गया तो एरिया क्या आएगा, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन, वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन इन प्रोसेस 1 to 2, दिस इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई N-1। एक्सीलेंट गाइज, मजा आ गया मेरे को देख के, मजा आ गया सब लोगों के, जबरदस्त कंसेप्ट है। एंड दिस एरिया इज योर, दिस एरिया, ये वाला आपका एरिया है, ठीक है। तो इस एरिए को अब मैं क्या करता हूं, यहां पे डिनोट कर देता हूं, जो हमने पुराना वाला पीवी डायग्राम बनाया था, इस एरिए को मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इस एरिए को मैं यहां बना दे रहा हूं, लो पिंक वाले, पिंक उससे बना दे रहा हूं। सो दिस इज दिस एरिया, ठीक है। ये 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 पूरा एरिया हो गया आपका, ये पूरा एरिया हो गया आपका क्लोज्ड सिस्टम का वर्क। दिस इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई N-1, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा है भाई, देख के ही मजा आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस 2 to 3, दैट इज योर डिलीवरी, ठीक है। ये डिलीवरी हो रही है, बच्चा अपने घर जा रहा है, ठीक है। किसी ने लिखा वर्क डन बाई पिस्टन, W बाई पिस्टन नहीं है मुन्ना, W बाई पिस्टन नहीं है, ये W बाई एयर है, ठीक है। 2 to 3 डिलीवरी प्रोसेस हो रहा है, डिलीवरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिलीवरी प्रोसेस में आपका प्रोसेस चल रहा है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। दिस इज लोकेशन 2, दिस इज लोकेशन 3 और आपका पीवी डायग्राम कुछ ऐसा है, दिस इज योर पीवी डायग्राम, यहां पे आप आ रहे हो ऐसे, ठीक है। तो अब बताओ व्हाट इज वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन, कितना वर्क करेगी एयर पिस्टन पे, वर्क डन बाई एयर ऑन पिस्टन W2 3, क्या लिख दूं मैं, P मल्टीप्लाइड बाई V फाइनल माइनस V इनिशियल, क्या ये लिख दूं मैं, वर्क डन बाई एयर ऑन पिस्टन क्या मैं लिख दूं P into V final minus V initial, और V final है आपका 0 और V initial है V2, so work done by piston or work done by air on piston that is equal to minus of P2V2 W2 3, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, अरे ये समझ में आया क्या, पहले ये बताओ V final minus V initial, क्या ये सबको समझ में आया। देखो मैंने उसी टाइम कहा था कि पहले बता दे रहा हूं, अगर पिस्टन पे लग रहा है प्रेशर और पिस्टन आपकी मूव कर रही है, तो वर्क जो होगा डन ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई V final minus V initial होगा, चाहे पिस्टन किधर की साइड भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। पिस्टन अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, पिस्टन अगर राइट साइड में जाएगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है। पिस्टन आपकी लेफ्ट साइड में जा रही थी तो इनिशियल वॉल्यूम जो था दिस वॉज योर V2, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जितना भी एरिया है दैट इज द वर्क एक्चुअली डन बाई पिस्टन ऑन एयर, पिस्टन एयर को बोल रही है बाहर भागो। तो अगर मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन तो क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या, पहले ये बताओ कि ये कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी बताओ फटाफट बताओ कितने लोगों को समझ में आया भाई, आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है,
नहीं। अगर डाउट नहीं है तो अब हम चलते हैं और देखते हैं अपने पीवी डायग्राम पे कि ये कौन सा एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है उसको मैं कौन से कलर से बनाऊं, कौन से कलर से बनाऊं, ग्रीन से बनाऊं, ग्रीन से दिखेगा, ठीक है। तो P2V2 का कौन सा एरिया है, व्हाट इज द एरिया P2V2? ये आपका P2 है और ये आपका वॉल्यूम V2 है। सो ये वॉल्यूम V2 है, V3 जीरो है, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो एरिया P2V2 होगा इट विल बी दिस एरिया। ये नीचे तक जाएगा पूरा, ये सिर्फ यहां एटमॉस्फेयर तक नहीं खत्म होगा, नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा एरिया नीचे तक जितना भी आएगा दैट इज योर P2V2, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो ये एरिया आपका आ गया। अब आपके पास में तीनों एरिया आ गए हैं, अगर तीनों एरिया आ गए हैं, तीनों वर्क आ गए हैं, तो मैं अब डायरेक्टली लिख सकता हूं व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर, व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर ऑन द पिस्टन, टोटल वर्क डन। ओके, सो टोटल टोटल वर्क डन by air on piston, total work done by air on piston, ठीक है। So this will be W total, this will be equal to W12 or W01 plus W12 plus W23. What is W01? W01 positive आया था, P1 V1, so this becomes P1 V1. उसके बाद में W12, W12 फिर positive आया था, P1 V1 minus P2 V2 divided by N minus 1. And what is W23? It came negative which is equal to P2 V2, ठीक है। तो अब अगर आप देखना चाहो, यहां P1 V1 है, यहां P1 V1 है, यहां P2 V2 है, यहां P2 V2 है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं P1 V1 plus P1 V1 divided by N minus 1 minus P2 V2 divided by N minus 1 minus of P2 V2, ऐसे लिख दो, ठीक है। सो ये अगर आप देखो P1 P1 V1 दोनों में P1 P1 V1 कॉमन है, तो यहां से मैं P1 V1 कॉमन ले लूंगा, दिस बिकम्स P1 V1 1 plus 1 over N minus 1, ठीक है। एंड यहां से मैं P2 V2 कॉमन ले लूंगा, माइनस ऑफ P2 V2, तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी माइनस आपने बाहर ले लिया तो ये प्लस बन जाएगी, ये भी प्लस बन जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस 1 ओवर N माइनस 1, ठीक है। तो अब अगर दोनों को 1 ओवर N माइनस 1 प्लस 1 यहां पे है, 1 ओवर n माइनस 1 प्लस 1 यहां पे है, तो दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को एक साथ ले लेंगे और ये p1 माइनस p2 हो जाएगा। सो w टोटल, w टोटल इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1, और दिस कैन बी रिटन एज p1 v1 माइनस p2 v2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1, तो n माइनस 1 अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, n माइनस 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, और n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा n, सो दिस बिकम्स n ओवर n माइनस 1 p1 v1 माइनस p2 v2, दिस इज द वर्क डन टोटल एंड दिस इज द वर्क डन बाय एयर, दिस इज द वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन। क्या है ये वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन है, बट हमें तो पता है कि कंप्रेशन प्रोसेस में बाहर से वर्क जाएगा, हम बाहर से वर्क देंगे वरना आपका कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर बाहर से वर्क देंगे तो क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, यस और नो? यस सर, इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर आप P1 V1 माइनस P2 V2 करके देखोगे तो पता चलेगा ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। और अगर ये नेगेटिव आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ P2 V2 minus P1 V1 multiplied by N over N minus 1.
सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाय एयर ऑन पिस्टन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। और सिंस अगर आपने माइनस बाहर निकाल लिया है, इस माइनस को आप अगर हटाना चाहते हो, सो वर्क जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज वर्क डन बाय पिस्टन ऑन एयर। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूं वर्क डन बाय पिस्टन ऑन एयर, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय पिस्टन ऑन एयर, तो ये हो जाएगा W ऑफ कंप्रेसर, दैट इज इक्वल टू N ओवर N माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं एंड दिस बिकम्स N ओवर N माइनस वन। यहां से मैं P1V1 बाहर ले लेता हूं, P1V1 बाहर ले लेता हूं, सो दिस बिकम्स P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1 माइनस वन। ठीक है, और आपका प्रोसेस जो 1 to 2 था वो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, P1V1 की पावर n इज इक्वल टू P2V2 की पावर n। तो यहां से अगर मान लो मैं V2 by V1 लिखना चाहता हूं, तो ये V1 नीचे आ जाएगा, ये P2 नीचे आ जाएगा, दिस बिकम्स P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1 की पावर n। ठीक है, और अगर मैं V2 by V1 सिंपली लिखना चाहता हूं, सो पावर मुझे लेफ्ट साइड में लानी पड़ेगी, P1 by P2 की पावर 1 by n इज इक्वल टू V2 by V1। ठीक है, तो आपका P1 by P2 जो है उसकी पावर 1 by n बिकम्स V2 by V1। इस वैल्यू को हम उठा के यहां पे रख देंगे, सो दिस बिकम्स n ओवर n माइनस वन P1V1। यहां पे पहली जो क्वांटिटी है दैट इज P2 by P1 है, ये P2 by P1 है मल्टीप्लाइड बाय V2 by V1, तो यहां पे V2 by V1 है, दैट इज P1 by P2। ठीक है, सो दिस बिकम्स P1 by P2 की पावर 1 by n माइनस वन। ठीक है, ये P2 by P1 है, ये P1 by P2 है, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, जब इसको फ्लिप करोगे तो -1 by n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 by P1 की पावर 1, ये हो जाएगा P2 by P1 की पावर -1 by n, और सिंस दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, सो हम लिख सकते हैं W ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू n ओवर n माइनस वन P1V1। ठीक है, P2 by P1 की पावर 1 - 1 by n, ठीक है, -1। ठीक है, और इसको जब आप लिखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज n ओवर n माइनस वन P1V1 P2 by P1 की पावर n - 1 ओवर n - 1। ओके, सो दिस बिकम्स वर्क ऑफ कंप्रेसर। वर्क ऑफ कंप्रेसर दैट इज द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द एयर, ये होगा n ओवर n माइनस वन इंटू P1V1 P2 by P1 n - 1 ओवर n - 1। क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या ये सबको समझ में आया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबको समझ में आया, यस और नो? जल्दी बताओ, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सबको समझ में आ गया। और अगर सबको समझ में आ गया तो अब यहां पे गौर से देखो, हमने जो तीनों वर्क निकाले थे उस तीनों वर्क में ये वाला वर्क नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला वर्क क्या है, पिस्टन ने एयर पे किया है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये वर्क पिस्टन ने एयर पे किया है। जब आप इस दूसरे वाले को देखोगे P1V1 - P2V2 / n - 1, ये मैंने कहा ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी इसका मतलब ये वाला जो वर्क होगा ये भी आपका पिस्टन ने एयर पे किया होगा। तो जो डिलीवरी वाला था वो भी वर्क आपका पिस्टन ने एयर पे किया है, ये वाला वर्क भी पिस्टन ने एयर पे किया है, और जो तीसरा वर्क है वो सिर्फ ऐसा वर्क है जो एयर ने पिस्टन पे किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो दो आपके नेगेटिव हैं, एक आपका पॉजिटिव है, तो अब अगर आप देखना चाहो कि आपके ये वाले दोनों वर्क जो थे
ये वाला वर्क और ये वाला वर्क जो नीचे तक है, ये दोनों वर्क नेगेटिव है, मतलब ये पिंक वाला वर्क और ये ग्रीन वाला वर्क जो है ये आपकी पिस्टन एयर के ऊपर कर रही है और बिचारी एयर जो है वो इतना ही अपना वर्क रिटर्न कर पा रही है, सिर्फ इतना वर्क ही रिटर्न कर पा रही है, वापस इसको रिटर्न कर देती है। तो जो बचा हुआ वर्क बचेगा, जो बचा हुआ वर्क बचेगा, दैट इज एक्चुअली द वर्क दैट इज डन बाय पिस्टन ऑन एयर। ये आपका वर्क कंप्रेसर वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये तो दिख भी नहीं रहा है, ये दिख भी नहीं रहा है, मुझे कोई दूसरा कलर चूज करना पड़ेगा। कौन सा कलर चूज करूं, सारे कलर तो ऐसे ही हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो बचा हुआ वर्क होगा, ये आपका बचा हुआ वर्क है, ये आपका वर्क पिस्टन एयर के ऊपर करेगी और इसी की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की है n/(n-1)P1V1 P2/P1^(n-1)/(n-1)। समझ में आया क्या? क्लियर है ये सबको? समझ में आ गया कि कंप्रेसर में कितना वर्क करना होता है? क्लियर है ये? अगर ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। और अगर मान लो आपका प्रोसेस जो है, इफ प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, इफ प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक तो क्या होगा? इफ प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, इसका मतलब आपका डेल्टा क्यू जो है वो जीरो है, इसका मतलब आपका हीट ट्रांसफर जीरो है। अगर आपका हीट ट्रांसफर जीरो है तो इस वाले प्रोसेस में अगर आप देखोगे डेल्टा क्यू जीरो है, ठीक है। इसके अलावा ये जो दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, एक आपका सक्शन का प्रोसेस हो रहा है, दूसरा आपका डिलीवरी का प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है। आपका सिर्फ सक्शन हो रहा है, सक्शन हो रहा है तो कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही है, कोई भी हीट अंदर नहीं आ रही है, तो इस प्रोसेस के लिए भी आपका डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो होता है। और डिलीवरी में भी ऐसा ही होता है, एयर सिर्फ और सिर्फ उठ के यहां जा रही है, यहां पे एयर अंदर आ रही है। तो इसका मतलब अगर आपका प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो जो पूरा प्रोसेस होता है उसका डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है, पूरे प्रोसेस का, पूरे कंप्लीट कंप्रेशन प्रोसेस का डेल्टा क्यू जीरो है, ठीक है। और अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो ये प्रोसेस जो होगा इसका एन जो होगा इट विल बी इक्वल टू गामा, एन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू गामा। और अगर गामा है तो क्या मैं वर्क को क्या लिख सकता हूं, वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू γ/γ-1 P1V1 γ-1/γ-1। ओके, ठीक है, P1V1 P2/P1γ/γ-1, ठीक है। अब बताओ कि ये क्वांटिटी क्या है, P2/P1γ-1/γ। दिस इज योर प्रेशर P1, दिस इज योर प्रेशर P1, दिस इज योर लोकेशन लेट्स इट P2। So, यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, P2/P1γ-1/γ क्या होगा? क्या ये सबको समझ में आता है कि ये टेम्परेचर रिलेशन हो जाएगा? क्या ये सबको समझ में आता है कि ये टेम्परेचर रिलेशन हो जाएगा? दिस बिकम्स T2/T1-1। ओके, T2/T1-1। और अगर इसको आप देखना चाहो, दिस बिकम्स γ/γ-1 P1V1। व्हाट इज P1V1? P1V1 इज नथिंग बट m1 into r into t1 multiplied by T2/T1-1। दिस बिकम्स T2-T1/T1। यहां से आपका T1 खत्म हो जाएगा, यहां से आपका T1 खत्म हो जाएगा,
दिस बिकम्स एम इंटू आर इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है, एम इंटू आर ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस बिकम्स आर इंटू टी टू माइनस टी वन। व्हाट इज योर What is your R over gamma minus 1? अगर आप इस क्वांटिटी को देखो, गामा ओवर गामा माइनस वन इंटू आर, इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब कर दिया है, ठीक है, और M को इधर लिख लिया है। सो दिस बिकम्स M इंटू गामा आर ओवर गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू माइनस टी वन। एंड वॉट इज योर गामा आर ओवर गामा माइनस वन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, R ओवर गामा माइनस वन, R ओवर गामा माइनस वन इज योर CV, गामा R ओवर गामा माइनस वन दिस बिकम्स योर CP, है कि नहीं, दिस बिकम्स योर CP। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं M इंटू CP इंटू टी टू माइनस टी वन, ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो लिख सकते हैं? और अगर इसको ऐसा लिख सकते हो तो वर्क ऑफ कंप्रेसर बिकम्स एम इंटू सीपी इंटू टी टू, एम इंटू सीपी इंटू टी टू दैट बिकम्स योर एंथैल्पी एच टू माइनस एम इंटू सीपी इंटू टी वन दैट बिकम्स योर एंथैल्पी एच वन, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा सा और लिख दें, वर्क ऑफ कंप्रेसर डिवाइडेड बाई मास दैट इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, ठीक है। So work of compressor divided by mass m that is equal to h2 minus h1। और क्या यही वर्क हमने ब्रेटन साइकिल में अचीव किया था? ब्रेटन साइकिल में जब हमने कहा था कि आपका हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड आपके कंप्रेसर में से जीरो है, जब आपका प्रोसेस आइसेंट्रोपिक चल रहा है तो हीट रिजेक्टेड जीरो है, तो जो वर्क आप कंप्रेसर को सप्लाई कर रहे हो दैट इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, यस और नो, जल्दी बताओ, क्या जल्दी बताओ, क्या ये लिख सकते हैं हम? तो सर जब आप ऐसा लिख सकते हो वर्क ऑफ कंप्रेसर डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, ये तो हमने पहले ही लिखा हुआ था, तो जब ये पहले ही लिखा हुआ था तो आपने इतना तिगड़म क्यों किया? ये जो आपने पिछले एक घंटे से ये सब करवा करवा के ये वाला एक्सप्रेशन जो निकाला, ये आपने क्यों निकाला? ये तो हमें पहले ही पता था। ये एक्सप्रेशन मैंने इसलिए निकाला है बिकॉज बहुत सारी किताबों में या बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको ये बताते होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन निकलता है और जो आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के जो एक्सप्रेशन निकालते हो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। चाहे आप उसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से वर्क निकालो या फिर आप उसको एक एक प्रोसेस को डिफाइन कर करके उसका वर्क निकालो, दोनों प्रोसेस में वर्क जो आएगा वो सेम आएगा।
क्या क्लियर है ये सब लोगों को? क्लियर है ये सब लोगों को? समझ में आ गया? तो अगर आपका कंप्रेसर ऐसा है, अगर आपका कंप्रेसर ऐसा है जिसमें कि आप इस कंप्रेसर को ब्लैक बॉक्स में डाल सकते हो, ये कह सकते हो इधर से एंथैल्पी H1 आ रही है, इधर से एंथैल्पी H2 जा रही है, और अगर यहां से Q0 है तो जो आप W सप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू H2 - H1 सिंपली। और अगर आपको और इसको डिटेल में लिखना है, दिस यू कैन राइट γ/γ-1 P1V1 इनटू P2/P1 की पावर γ-1/γ-1। यहां पे ध्यान रखना कि जो यहां पे लिखते हो वो इसका अपोजिट यहां पे लिखा जाता है। यहां पे N/N-1 है तो यहां पे γ-1/γ होगा। ये उल्टा चलता है दोनों का। और अगर भूल जाओ कि कैसा एक्सप्रेशन था तो याद रख लेना कि ये P2/P1 की पावर γ-1/γ T2/T1 होता है। ये T2/T1 होता है। ये वैल्यू जो होगी इट विल ऑलवेज बी T2/T1, चाहे आपका प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक चले या आइसेंट्रॉपिक चले, कुछ भी चले, दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू T2/T1। और T2/T1 अगर आपको याद है तो ये P2/P1 की पावर γ-1/γ है, और अगर ये γ-1/γ है तो यहां पर γ/γ-1 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? एकदम दिमाग की बत्ती खोलने वाला क्लियर है ये? यस और नो? समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने निकाल लिया कि आपके एक प्रोसेस में या एक साइकिल में आपका वर्क जो है वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्क निकाला है, वर्क ऑफ कंप्रेसर, इस कंप्रेसर को हम लिखते हैं, अब मैं पॉलीट्रॉपिक में वापस आ जाता हूं, N/N-1, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं दैट इज पॉलीट्रॉपिक। सो N/N-1 इनटू P1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो दूसरी क्वांटिटी है आपकी V1, दैट इज नथिंग बट योर स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, सो VS मल्टीप्लाइड बाय P2/P1 की पावर γ-N/N-1/N-1। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इस पूरी क्वांटिटी में देखो तो N/N-1 इंटू P1 P2/P1 की पावर N-1/N, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। सो वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू यहां VS मल्टीप्लाइड बाई N/N-1 इंटू P1 P2/P1 की पावर N-1/N-1। ये क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है जो आपके साइकिल का, एक साइकिल का वर्क है। दिस डिपेंड्स ऑन एक साइकिल का VS। आपका स्वेप्ट वॉल्यूम जो है वो अगर पर साइकिल है तो आपका वर्क डन जो आएगा दैट इज पर साइकिल। सो दिस इज पर साइकिल वर्क। ओके, VS इज योर पर साइकिल। अब अगर आपको कहता है कि आपका इंजन या आपका कंप्रेसर जो है इट इज मेकिंग N revolutions पर मिनट, अगर ये N revolutions पर मिनट कर रहा है इसका मतलब ये N cycles चला रहा है। ठीक है, तो अगर पर मिनट आप देखना चाहो वर्क डन बाय कंप्रेसर पर मिनट, ठीक है, तो पर मिनट अगर देखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली VS को N से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट क्वांटिटी N/N-1 इनटू P1 P2/P1 की पावर N-1/N-1। ठीक है, एंड दिस बिकम्स योर वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम फॉर N revolutions। दिस कैन बी रिटन एज द वॉल्यूम एंटरिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग सिलेंडर पर मिनट। ठीक है, ये पर मिनट का वॉल्यूम है, पर मिनट का वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? तो ये इतना वॉल्यूम आपका पर मिनट का है। अगर ये इतना वॉल्यूम पर मिनट का है, इसको कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क ऑफ कंप्रेसर मिल जाएगा। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर निकालना बहुत आसान है। ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, जितना भी आपका एयर सिलेंडर के अंदर जाएगा उस पर क्वांटिटी ऑफ एयर पे उतना वर्क होगा। क्लियर है क्या सबको ये? समझ में आया सब लोगों को? अगर क्लियर है तो फटाफट से एक सवाल अटेम्प्ट करो और इसका जल्दी से मुझे
जल्दी से आंसर निकाल के दो, इसका जल्दी से आंसर निकाल के दो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्रेसर में आपका प्रोसेस कंप्रेशन का हो रहा है 1 से 8 bar के लिए, एयर इज कंप्रेस्ड इन एन एयर कंप्रेसर फ्रॉम 1 bar to 8 bar, ठीक है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस एयर इफ द प्रोसेस फॉलोड इज आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक एंड आइसोथर्मल, ठीक है। तो पहले प्रोसेस में n इज इक्वल टू गामा, सेकेंड प्रोसेस में है n इज इक्वल टू 1.3 और थर्ड प्रोसेस जो है दैट इज n इक्वल टू 1। तीनों में कितना कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से वर्क कैलकुलेट करके बताओ। आया किसी का? वीएस नहीं दिया, पर मीटर क्यूब ले लो। VS नहीं लिखा मैंने, VS लिखना भूल गया। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस एयर इफ प्रोसेस फॉलोड इज आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, आइसोथर्मल, ओके, पर मीटर क्यूब ले लो। आया किसी का? देखो, when n is equal to gamma, n इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। आपका वर्क डन जो आ जाएगा दैट विल बी वर्क इन कंप्रेसर इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.4 इनटू P1 इज 1 bar, दैट मींस 10^5, ठीक है। हम सब कुछ ऐसा यूनिट में करेंगे, सो n ओवर n माइनस 1 P1, V1 ले लिया आपने 1 meter cube मल्टीप्लाइड बाय 8 / 1 इसकी पावर 0.4 / 1.4 - 1, दिस बिकम्स योर वर्क दैट इज एक्चुअली डन इन द कंप्रेशन प्रोसेस, ओके। दिस इज द वर्क डन। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, क्या वैल्यू आ रही है? 284, यही आ रही है क्या? टू एटी फोर से तो ज्यादा आना चाहिए। 284 क्या, जूल या किलो जूल? जूल या किलो जूल? कितनी वैल्यू आ रही है इसकी?
ओके, सो वर्क डन इज 284 किलो जूल पर केजी, इज इट क्लियर? 284 किलो जूल पर केजी। सो ये पहले वाला बहुत आसान था। दूसरा वाला जो प्रोसेस है उसमें n इज इक्वल टू 1.3 है। अगर n इक्वल टू 1.3 है तो उसका वर्क डन फटाफट से निकालो। वर्क डन इन कंप्रेशन इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 5 इंटू 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 266 है क्या? 266 किलो जूल। ओके, 266 किलो जूल, दिस इज योर वर्क ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ आपको यहां पे कम वर्क क्यों रिक्वायर्ड है? आपको यहां पे कम वर्क क्यों रिक्वायर्ड है? आपने n इक्वल टू 1.3 फॉलो किया है तो यहां पे कम वर्क क्यों रिक्वायर्ड है? एक्चुअली में जब आप इसको इस चीज को स्टडी करना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जो T2 बाई T1 है दैट इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस और n माइनस 1 ओवर n, n माइनस 1 ओवर n विच इज इक्वल टू 8 की पावर 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3। तो अब आप देखोगे कि ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है ये क्वांटिटी आइसेंट्रोपिक के कंपैरिजन में छोटी है, और ये क्वांटिटी जब आइसेंट्रोपिक के कंपैरिजन में अगर कम है, ठीक है, कितना आ रहा है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू कितना आ रहा है? आई थिंक 1.81 से थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है इसका वैल्यू? जो भी इसका जो भी वैल्यू निकालोगे वो आपको पता चलेगा ये वैल्यू कम आ रही है। अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो जो आपकी एयर डिलीवर हो रही है उसका जो टेम्परेचर है 1.61, ठीक है, सो 1.61 दिस इज T2 बाई T1। अगर आइसेंट्रोपिक के केस में देखोगे तो वो वैल्यू 1.81 आ रही थी। इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपकी एयर डिलीवर हो रही है वो आइसेंट्रोपिक के केस में ज्यादा है, यहां के केस में कम है। अगर यहां के केस में कम है तो क्या आप कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर कम इंक्रीज हुआ है इसका मतलब आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की होगी, जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की होगी, जो इंटरनल एनर्जी में जा रहा है क्या वो कम गई होगी? क्या इंटरनल एनर्जी जो आपने यूज की है वो कम गई होगी? यस। ठीक है, तो इसके लिए यहां पे वर्क जो होता है वो कम होता है। अभी हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे। तीसरा वाला जब प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर आइसोथर्मल है तो उसमें वर्क डन कितना आएगा? देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें अगर आप वर्क डन लिखना चाहोगे डायरेक्टली n ओवर n माइनस 1 से तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, इस क्वांटिटी को अगर आप देखोगे मल्टीप्लाइड बाई P1 V1 और ये जो क्वांटिटी है तो इसमें एक तो नीचे 0 आएगा और एक ऊपर 0 आएगा। सो दिस क्वांटिटी बिकम्स 0/0। इसका मतलब यहां से आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वापस आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने वर्क टोटल में लगाया था, डेट इज W01 प्लस W12 प्लस W23। ठीक है, यहां पे आपका जो वर्क था दैट इज योर P1 V1, यहां पे आपका वर्क जो था माइनस P2 V2 था, और बीच वाला जो वर्क होगा वो अब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क ऐड करना पड़ेगा एंड दैट विल बी प्लस ऑफ P1 V1 ln P2 by P1। ओके, सो दिस इज P1 V1 ln P2 by P1। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो ये वाला वर्क डन होता है। अब आप अगर देखोगे तो यहां पे P1 V1 minus P2 V2 भी आ रहे हैं, बट सिंस प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हमें पता है P1 V1 is equal to P2 V2 होता है, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है तो जो आपको सक्शन में वर्क मिला था P1 V1 सेम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क आपको डिलीवरी में देना पड़ेगा। जितना आपको सक्शन में मिला था P1 V1 उतना ही आपको डिलीवरी में देना पड़ेगा, तो वो दोनों एरिया कैंसिल हो जाएंगे। जब वो दोनों एरिया कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में सिर्फ इतना एरिया बचेगा,
तो अगर इतना एरिया बचेगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका फ्लो वर्क और नॉन फ्लो वर्क दोनों बराबर होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लो और नॉन फ्लो वर्क दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी P1V1 ln P2/P1। इसको आप लिख सकते हो 10^5, इसको आप लिख सकते हो 10^5 ln of 8। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 150 के आसपास आ रही है कुछ, इसकी वैल्यू और कम आएगी, 206 207 आ रही है, 208। ओके ठीक है, ठीक है, 208 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ओके सो यहां पे आपकी वैल्यू कम आ रही है। अब अगर आप देखोगे तो आपको जो भी वर्क देना पड़ रहा है आइसोथर्मल के प्रोसेस में, उसमें आप अगर देखोगे कि टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ है, इसका मतलब एयर की इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्रीज हुई है, इसका मतलब जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही है, और अगर इंटरनल एनर्जी आप नहीं बढ़ा रहे हो तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका वर्क डन 208 किलो जूल पर मीटर क्यूब है, तो आपकी कितनी हीट लॉस हो रही होगी कंप्रेशन प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट लॉस होती है, हीट बाहर जाती है, सिलेंडर से हीट बाहर जाती है, तो अगर सिलेंडर से हीट बाहर जा रही है इसका मतलब हीट लॉस हो रही होगी, तो कितनी हीट लॉस हो रही होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q होता है, मतलब जितना आप वर्क दे रहे हो उतनी आपकी हीट लॉस हो रही है, तो यहां पर जो हीट लॉस होगी दैट विल बी 208 किलो जूल। समझ में आ रहा है, MCP डेल्टा T करोगे तो वो जीरो आएगा, एंथैल्पी जीरो होगी, तो एंथैल्पी अगर जीरो होगी तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तो आपको पता चलेगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। समझ में आ गया, क्लियर है सब लोगों को ये, यस और नो, जल्दी बताओ क्लियर है क्या सब लोगों को, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये सबको समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज योर क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, देखो हमने इंटरनल कंबशन इंजन में देखा था कि आपका ये जो सिलेंडर होता है, ये जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर आपकी ये जो पिस्टन मूव कर रही होती है, ठीक है, हमने IC इंजन में देखा था कि ये पिस्टन जो है ये सिर्फ यहीं तक जाती है, जिसको हमने टॉप डेड सेंटर बोला था। तो आपकी पिस्टन जो है वो मूव करती है बिटवीन द टू डेड सेंटर्स, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ये जो इतना बचा हुआ स्पेस होता है उसमें आपकी पिस्टन जा ही नहीं पाती है, क्यों, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अगर आपके पिस्टन का थर्मल एक्सपेंशन होगा और अगर आपकी पिस्टन यहां यहां अगर सिलेंडर हेड को टच की तो आपका सिलेंडर हेड टूट सकता है, तो उससे बचाने के लिए हमने कहा था कि हम थोड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं, यस और नो, समझ में आया सबको क्लियरेंस क्यों रखा जाता है, समझ में आ रहा है सबको क्लियरेंस क्यों रखा जाता है। क्लियरेंस इसलिए रखा जाता है कि आपके इंजन जो होता है जब ये रनिंग कंडीशन में होता है इसके हाई टेम्परेचर्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स गर्म होते हैं, जब गर्म होते हैं तो सारे कंपोनेंट्स एक्सपैंड होते हैं। तो मान लो गलती से आपके पिस्टन ज्यादा एक्सपैंड हो गई, तो अगर आपने क्लियरेंस नहीं छोड़ा, यहां पे पिस्टन यहां तक टच की है और अगर आपकी पिस्टन ज्यादा एक्सपैंड हो गई तो ये इस सिलेंडर को फाड़ के आगे आना चाहेगी, जो आप नहीं चाहते। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ देते हो ताकि अगर पिस्टन में से कोई भी कंपोनेंट ज्यादा एक्सपैंड हो तो वो यहां से एक्सपैंड होकर यहां तक आ जाएगा, फिर भी आपका सिलेंडर जो है वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यहां पे जो जो गैप छूट गया है इसको बोला जाता है क्लियरेंस, ठीक है। इस क्लियरेंस की वजह से दिक्कत क्या होती है, देखो क्लियरेंस की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, क्लियरेंस की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, एयर कंप्रेसर के दो वॉल है, ठीक है, ये आपका एक डिलीवरी वॉल है, ये आपका एक सक्शन वॉल है, ऐसे आपकी एयर जाएगी बाहर और अंदर। ध्यान से सुनो, अभी रख दो नोटबुक वगैरह रख दो, वापस से बना लेना,
फिर से बना लेना, पहले इधर ध्यान दो। आपका पिस्टन जो है वो यहां पे टीडीसी पे था, टीडीसी से आपका पीछे चल के गया, यहां पे बीडीसी पे आ गया, बीडीसी पे दोनों वॉल बंद है, अब आपकी पिस्टन आगे आ रही है, यहां आते ही इसका डिलीवरी वॉल खुल गया। डिलीवरी वॉल खुलने के बाद में अब ये पिस्टन जो है ये यहां तक आती है टॉप डेड सेंटर तक। जब आपकी पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक आ गई है तो अब आपकी पिस्टन कहां बैठी है, यहां पे। जैसे ही आपकी पिस्टन यहां पे बैठी है, सिलेंडर के अंदर यहां पे बताओ यहां पे कितने बार पे एयर बैठी है, यहां पे क्या, यहां पे मैं कह सकता हूं यहां पे हाई प्रेशर एयर बैठी है 10 बार पे आपकी एयर बैठी है, दिस इज योर 10 बार। आपकी पिस्टन जो है वो यहां तक आ गई, जैसे ही आपके पिस्टन यहां पे आके रुक गई, अब और कंप्रेशन नहीं हो रहा है, अगर और कंप्रेशन नहीं होगा तो ये डिलीवरी वॉल्व बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर पे काम करता है, प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है, यहां पे भी 10 बार है, यहां पे भी 10 बार है, दोनों तरफ 10 बार है, इसका मतलब अब ये डिलीवरी वॉल्व बंद हो गया है। अब आपकी पिस्टन जो है वो पीछे मूव करना चाहेगी, आपकी पिस्टन जो है वो पीछे मूव करना चाहेगी, यहां से आपकी पिस्टन अब सक्शन स्ट्रोक करती है। जब सक्शन स्ट्रोक चालू होता था तो हमारा इनलेट वॉल्व खुल जाता था, यस और नो? जब हमारा सक्शन स्ट्रोक चालू होता था ये वाला वॉल्व खुल जाता था, एयर अंदर आती थी। ये वाला वॉल्व क्यों खुल जाता था? क्योंकि पिस्टन जैसे ही पीछे जाती थी यहां पे वैक्यूम आ जाता था, यहां का प्रेशर कम हो जाता था, यहां का प्रेशर ज्यादा है। बट जो नया केस है जिसमें यहां पे आपकी एयर 10 बार पे बैठी है, यहां एयर 10 बार पे है, यहां आपकी एयर 1 एटमॉस्फेयर पे है, अब आपकी पिस्टन पीछे जाती है। जब आपकी पिस्टन पीछे जाती है और आपकी पिस्टन यहां आई है, जब आपकी पिस्टन यहां आई है तब आपकी ये एयर एक्सपैंड होती है थोड़ी सी, एयर एक्सपैंड होके यहां पे जो प्रेशर होता है दैट इज लेट से 7 बार, क्या आपका सक्शन वॉल्व खुलेगा? ये पिस्टन यहां आ गई है, ये एयर 10 बार वाली थोड़ी सी एक्सपैंड होगी। अब जैसे ही ये एयर एक्सपैंड हुई इसको ज्यादा वॉल्यूम मिल गया, ज्यादा वॉल्यूम मिल गया तो इसका प्रेशर कम हो गया, 10 बार था, 10 बार से ये 7 बार पे आई थी, क्या आपका सक्शन वॉल्व खुलेगा? यहां पे आपका 7 बार का प्रेशर है, बाहर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इस वाले वॉल्व को समझ में नहीं आता है कि इधर ज्यादा है या इधर कम है, इसको सिर्फ यह दिखता है कि मैं तभी खुलूंगा जब इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा। पिस्टन चाहे मेरी कहीं पे भी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तभी खुलूंगा जब यहां प्रेशर कम होगा यहां ज्यादा होगा, चाहे पिस्टन आपकी यहां रहे, चाहे पिस्टन यहां रहे, चाहे पिस्टन यहां रहे, चाहे पिस्टन यहां रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी गैस यहां पे, एयर यहां पे है, प्रेशर 7 बार है, वॉल्व अभी भी बंद है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है। फिर ये पिस्टन यहां पे जाती है, जब ये पिस्टन यहां पे जाएगी तब इसका प्रेशर 4 बार हुआ, और होते होते पिस्टन जब यहां पे आ जाती है तब जाके इसका प्रेशर 1 एटमोस्फेयर होता है। मतलब ये 10 बार वाली एयर जो थी, जो अंदर बची हुई गैस रह गई थी, ये पहले 1 बार तक एक्सपैंड होगी, इस पूरे एरिए में ये एक्सपैंड होगी, इस पूरे एरिए में एक्सपैंड होने के बाद में अब ये 1 बार पे है। अब आपकी पिस्टन जैसे ही इससे नीचे जाएगी तो अंदर प्रेशर 1 बार से कम होगा और अब आपका वॉल जो होगा वो यहां से खुलेगा। इसका मतलब पहले जो वॉल आपका यहीं पे खुल जा रहा था, अब वो आपका वॉल यहां पे खुलेगा, और अब अगर आपका वॉल यहां पे खुलेगा तो कितनी एयर अंदर आएगी? आपकी पिस्टन यहां से यहां तक जाएगी तो अब जो एयर अंदर आ सकती है दैट इज ओनली दिस मच। सो दिस इज द ओनली एयर विच इज एक्चुअली एंटरिंग योर सिलेंडर। ये जो बची हुई, ये जो इतनी गैस है, इतनी एयर है, ये तो ये बची वाली एयर ही थी जो एक्सपैंड हुई है, जो फ्रेश एयर अंदर आई है वो यही है, ठीक है? जो फ्रेश एयर अंदर आई है वो सिर्फ इतनी ही एयर है, ठीक है?
इसका एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी कभी देखा होगा। इसका एग्जाम्पल, इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। किसी रेस्टोरों में गए हो, किसी रेस्टोरों में गए हो, अगर किसी रेस्टोरों में गए हो जहां पे भीड़ होती है, और लेट्स से यहां पे तीन टेबल है, यहां पे तीन टेबल है, इन छह टेबल पे छह लोग ही बैठ सकते हैं, जो छह लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब क्या किया, बाहर से तीन लोग आए और यहां पे आके खड़े हो गए, तीन लोग आए यहां पे खड़े हो गए। जब ये तीन लोग आके यहां पे खड़े हो गए हैं, अब यहां से छह लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, छह लोग बाहर जा रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो कितने लोग अंदर आएंगे या कितने लोग अंदर आ सकते हैं जिससे कि उनको सीट मिल जाए, सिर्फ तीन। आप अगर यहां पे बाहर खड़े हो तो आप काउंट करते हो कि यार बाहर तो छह ही लोग आए, बट साला इसने लिए अंदर तीन ही है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई सीट खाली होगी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही वो सोचता है कि अंदर कोई ना कोई सीट खाली होगी, फिर वो अंदर झांक के देखता है। जब वो अंदर झांक के देखता है तो उसको लगता है यार सारी तो सीट भरी हुई है, तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। यही केस आपकी एयर के साथ होता है, ऑलरेडी वहां पे तीन आदमी बैठे हैं जो इन तीन चेयर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके यहां से जितने लोग अंदर आएंगे दोज विल बी ओनली थ्री। इसका मतलब एयर जो अंदर आ रही है हर साइकिल में वो कम हो जा रही है, ठीक है। और अगर एयर आपकी कम हो जा रही है, एयर अगर आपकी अंदर आ रही है वो कम हो जा रही है, तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसके इंपैक्ट को स्टडी करने के लिए हम पहले पीवी डायग्राम वापस से बनाते हैं आपके एयर कंप्रेसर का, ठीक है। एयर कंप्रेसर का हम पीवी डायग्राम बनाएंगे और इस एयर कंप्रेसर के पीवी डायग्राम को हम वापस से देखते हैं। तो पहले मैं वो डायग्राम बना देता हूं जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जो कुछ ऐसा चल रहा था। ओके, सो दिस वॉज योर लोकेशन जीरो, दिस वॉज योर लोकेशन वन, दिस इज योर लोकेशन टू, दिस इज योर लोकेशन थ्री। ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। तो लेट्स से हम अब प्रोसेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम प्रोसेस वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो से प्रोसेस कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है। पहले हम वन से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपकी एयर यहां पे आ गई, पिस्टन यहां पे है, सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, वॉल इनलेट बंद हो गया है और डिलीवरी वॉल भी बंद है। अब आपके पिस्टन जो है वो कंप्रेस करेगी, जब वो कंप्रेस करेगी तो यही वाला प्रोसेस फॉलो करेगी वन से टू, वेरी गुड, यहां तक जाएगी। टू से जाने के बाद में वो डिलीवरी करना शुरू करेगी, डिलीवरी करते 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 वो यहां पे आ जाएगी। दिस इज नाउ योर टॉप डेड सेंटर, दिस इज नाउ योर टीडीसी, ठीक है। सो दिस इज नाउ योर टीडीसी, और इस टीडीसी पे जो वॉल्यूम होगा दैट इज कॉल्ड एज द क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। टीडीसी पे जो भी वॉल्यूम है दैट इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अब आपकी पिस्टन यहां पे बैठी है, यहां पे आपकी एयर है, अब आपकी एयर जो होगी वो एक्सपैंड करेगी। जब आपकी पिस्टन पीछे जाएगी तो ये एयर एक्सपैंड करेगी, जब ये एयर एक्सपैंड करेगी तो ये एक्सपैंड करती 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 कुछ यहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी पिस्टन यहां पे थी तो 10 बार का प्रेशर था, यहां पे आई 7 बार का हो गया, यहां पे आई 4 बार का हो गया, यहां पे आई 1 बार का हो गया। तो यहां पे आने के बाद में जब आपकी पिस्टन यहां पे आई है, अब जब ये आगे चलेगी तो ये प्रेशर डाउन जाएगा, और जैसे ही ये प्रेशर डाउन जाएगा अब आपका वॉल खुलेगा, ठीक है। तो एयर का जो एंट्री पॉइंट होगा, दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर एयर, ठीक है, एंट्री पॉइंट फॉर फ्रेश एयर, ठीक है। अब आपकी एयर अंदर आएगी, और अगर एयर अंदर आएगी तो अब आपका सिस्टम जो है वो ऐसे आगे की साइड चलेगा। तो अब अगर आपको अपना साइकिल देखना हो तो साइकिल कैसे चलेगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से वापस यहां आ जाएगा। दिस इज योर लोकेशन थ्री एंड दिस इज योर लोकेशन फोर। क्या क्लियर है ये सब लोगों को, क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, जल्दी बताओ, क्या ये पीवी डायग्राम समझ में आया कि एयर कंप्रेसर का पीवी डायग्राम कैसे चलेगा जिसमें क्लियरेंस है, ठीक है। तो इस पीवी डायग्राम को अगर अब आप देख के बताओ तो क्या आपको लग रहा है
कि यहां पे जो एक्चुअल वर्क हो रहा था 0, 1, 2, 3, 0 तक, ठीक है, वो वर्क अब कम हो गया है. सो लेट्स से दिस पॉइंट, इसको मैंने 3 पहले ही मार्क कर दिया था. सो लेट्स से दिस इज योर 3 डैश. ठीक है, क्या ये सबको नजर आ रहा है कि अब ये एरिया कम हो जाएगा? पहले एरिया 0, 1, 2, 3, 0 था, अब जो एरिया होगा 4, 1, 2, 3. तो ये वाला एरिया है. अगर ये वाला एरिया है तो आपका वर्क रिक्वायर्ड इन एवरी साइकिल कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, तो अब अगर मुझे देखना हो व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड, अगर मुझे देखना हो कि व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड इन कंप्रेसर, तो ये वर्क कितना होगा? क्या मैं इस वर्क को लिख सकता हूं? दिस वर्क विल बी नथिंग बट W ऑफ 0, 1, 2, 3, 0 माइनस W ऑफ 0, 4, 3-3, 0. देखो इधर, मुझे ये बीच वाला वर्क निकालना है, ये वाला. तो इसके लिए क्या मैं लिख सकता हूं कि ये पहले वाला पूरा वर्क माइनस ऑफ ये वाला जो वर्क है इतना, ये वाला वर्क अगर मैं घटा दूं इस पूरे वाले वर्क में से, तो क्या मेरे को ये बीच वाला वर्क मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, W ऑफ 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, ये बाहर वाला वर्क था, माइनस 0, 4, 0, 4, 3-3, 0, ये वाला वर्क मैंने घटा दिया. ठीक है, तो ये वाला वर्क तो ऑलरेडी आपको पता है. ठीक है, W 1 2 3 0 वाला वर्क आपको पता है, n ओवर n माइनस 1 इनटू p1 v1 n p2 by p1 की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1. व्हाट अबाउट दिस वर्क? ये वाला वर्क जो है, ये इधर वाला वर्क है, छोटे वाला वर्क. तो क्या इस वर्क को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? ठीक है, देखो इधर, इस वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस वर्क को हमें कैलकुलेट करना है, ये कुछ ऐसा वर्क है. This is your 0, this is your 4, this is your 3 dash, this is your 3. क्या मैं इस वर्क को कैलकुलेट कर सकता हूं? सर ये तो वही है जो आपका एयर कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस चल रहा है. तो अगर मान लो ये एयर कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस है, और लेट्स से ये इसका प्रोसेस जो है दैट इज मूविंग बाय n डैश, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है वो n डैश है. सो व्हाट कैन बी द वर्क W 4 3 डैश 3 0? क्या होगा इसका वर्क? दिस वर्क कैन बी रिटन एज n डैश डिवाइडेड बाय n डैश माइनस 1 P4 V4 मल्टीप्लाइड बाय P3 डैश डिवाइडेड बाय P4 की पावर n डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय n डैश माइनस 1. क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? ठीक है, मैंने क्या किया है, n डैश माइनस 1 p4 v4, ये p4 है v4 है, और p3 डैश बाई p4 n माइनस 1. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n डैश डिवाइडेड बाई n डैश माइनस 1 p4 v4. P4 क्या है? P4 ये नीचे वाला प्रेशर है, ये वाला. इसको क्या मैं P1 भी लिख सकता हूं? P4 इज इक्वल टू P1. ओके, सिंस P4 इज इक्वल टू P1 एंड P3 इज इक्वल टू P2, P3 डैश इज इक्वल टू P2, क्या मैं उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, P1 V4 मल्टीप्लाइड बाई P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n डैश माइनस ऑफ 1, ऐसा लिख सकता हूं मैं? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, ये P4 जो है P1 के बराबर है, तो यहां रिप्लेस कर दिया P1. P3 डैश P2 के बराबर है. P3 डैश क्या है? ये ऊपर वाला प्रेशर जो कि डिलीवरी प्रेशर है. तो अगर ये डिलीवरी प्रेशर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब मेरा जो प्रोसेस हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा. और जनरली आपका एयर कंप्रेसर होता है, अगर उसके लिए आपका कंप्रेशन इंडेक्स n है, तो जो आपका एक्सपेंशन इंडेक्स होगा, वो भी सेम होगा. जनरली अगर आपने एक कंप्रेसर लिया है तो उसके दोनों इंडेक्स सेम होते हैं. दोनों इंडेक्स को सेम, मतलब दोनों प्रोसेस को सेम कंडीशन दिख रही है,
कि बाहर जैकेट लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, बाहर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेम कंडीशन मिल रही है। तो अगर सेम कंडीशन मिल रही है तो दोनों का पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स सेम होता है। अगर दोनों का पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स सेम है तो वर्क को हम लिख सकते हैं, वर्क ऑफ कंप्रेसर कैन बी रिटन एज, वर्क ऑफ कंप्रेसर कैन बी रिटन एज वर्क ऑफ कंप्रेसर विद योर क्लियरेंस, ठीक है, वर्क ऑफ कंप्रेसर विद क्लियरेंस, दिस कैन बी रिटन एज एन ओवर एन माइनस वन पी वन वी वन इंटू पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन। ये तो आपका पहले वाले का वर्क हुआ, ठीक है, माइनस दूसरे वाले का वर्क, दूसरे वाले का वर्क होगा एन ओवर एन माइनस वन पी वन वी फोर इंटू पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन, ठीक है। सो ये दूसरे वाले का वर्क हुआ। तो अब अगर 3-4 एरो इज डाउनवर्ड और अपवर्ड, देखो एक्चुअल प्रोसेस में तो ये डाउनवर्ड होगा, एक्चुअल प्रोसेस में तो ये डाउनवर्ड होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, हमें ये वर्क निकालना है, तो हम एक कंप्रेसर चला रहे हैं जो कि ऐसे चलता हो, हम एक ऐसा कंप्रेसर चला रहे हैं जो ऐसा चलता हो, और इस साइकिल का वर्क हमने ये लिखा है, इस वाले साइकिल का वर्क हमने ये लिखा है। एक्चुअल कंडीशन में तो आपका ये ऐसे ही चलेगा, डाउनवर्ड जाएगा यहां पे, ठीक है, बट हमें क्या करना था, हमें इसका वर्क निकला था, तो हम कह रहे थे एक वो वाला साइकिल चलेगा और एक ये दूसरा साइकिल चलेगा, तो इस पहले वाले में से दूसरा घटा देंगे, तो घटाने के लिए हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाली टर्म जो है ये दोनों के लिए सेम है, एक्सेप्ट वी वन एंड वी फोर, दोनों के लिए वी वन और वी फोर को छोड़ के बाकी सब सेम है, जुगाड़ है, जुगाड़, सही बात है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन ओवर एन माइनस वन इंटू पी वन पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन। ये तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, एन ओवर एन माइनस वन पी वन P2 by P1 की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट है। इसके अलावा पहले वाले से टर्म V1 आएगी, दूसरे वाले से टर्म V4 आएगी, V1 माइनस V4, ठीक है। और दिस कैन बी रिटन एज वर्क ऑफ कंप्रेसर विद योर एफिशिएंसी और विद योर क्लियरेंस, दिस बिकम्स n ओवर n माइनस वन n ओवर n माइनस वन P1 into V, V actual. V1 minus V4 क्या है? V1 minus V4 is the actual volume where your air is entering. देखो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि आपकी एयर जो है यहां से एंटर करना शुरू करती है, यहां तक एंटर करेगी. So this is your actual volume. ठीक है, ये आपका actual volume है जहां पे आपकी एयर एंटर कर रही है, बाकी जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उसमें तो आपकी एयर पहले वाली ही बची हुई है, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर एक्चुअल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर वर्क। अब अगर आप देखोगे तो ये वी वन जो वी एक्चुअल है वो वी वन से कम है, ठीक है, वी एक्चुअल जो है वो V1 से कम है, और अगर V actual V1 से कम है तो work of compressor with your clearance will be less than work of compressor ideal. So ideal case में आपका work जो होगा वो per cycle का कम हो जाएगा, sorry, ideal case में जो work होगा वो ज्यादा होगा, actual case में आपका कम हो जाएगा, ठीक है। But हमें तो work cycle का निकाला है, वर्क साइकिल का कम हो गया और एयर डिलीवर्ड भी कम हो गई, ठीक है, वर्क साइकिल का कम हो गया, एयर डिलीवर्ड भी कम हो गई, बट अगर मैं देखना चाहूं वर्क पर वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड, वर्क डन पर यूनिट एयर डिलीवर्ड, तो ये क्या होगा, क्या ये क्वांटिटी जो होगी ये पहले भी n ओवर n माइनस वन पी वन इंटू पी टू बाई पी वन की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन थी, ये वाली क्वांटिटी वर्क डिलीवर्ड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड,
ये पहले भी इतनी ही थी, अभी भी इतनी ही है, इसका मतलब ये रह रही है कांस्टेंट, ये रह रही है कांस्टेंट। एंड व्हाट इज दिस वर्क डिवाइडेड बाय वी? वर्क डिवाइडेड बाय वी इज नथिंग बट आपने एक मीटर क्यूब एयर को कंप्रेस करने में कितना वर्क लगाया। तो एक मीटर क्यूब एयर को कंप्रेस करने में आपने पहले भी उतना ही वर्क लगाया था, अभी भी उतना ही वर्क लगाया है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? एक मीटर क्यूब एयर को कंप्रेस करने में कितना वर्क लगा है, चाहे क्लियरेंस हो या ना हो, दोनों केस में वर्क सेम आएगा। और इसीलिए हम कहते थे अगर आपका वर्क है इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, विच इज नथिंग बट पर केजी ऑफ एयर डिलीवर्ड। तो जब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो हमने नहीं कहा था कि आपका कंप्रेसर जो है वो आइडियली चलेगा या फिर क्लियरेंस के साथ चलेगा। तो हमें पता है कि वर्क डन पर केजी ऑफ एयर डज नॉट चेंज। वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, एक केजी एयर डिलीवर करने में आपको कितना वर्क लगा, वो सेम रहेगा चाहे आपका क्लियरेंस हो या ना हो। और वो हमने देखा भी है, आपने देखा है W by V, but W by V is nothing but it is proportional to W by mass, ठीक है? एक डेंसिटी का फैक्टर होगा, वो चेंज होगा। तो V1 वाला जो है वो इनलेट डेंसिटी है, दोनों के केस में इनलेट डेंसिटी सेम रहेगी, इसलिए आपका ये वाला चेंज नहीं होता है। और ये चेंज नहीं होता है तो अब अगर आप देखोगे तो क्लियरेंस की वजह से आपको क्या दिक्कत है, क्लियरेंस की वजह से आपको एक ही दिक्कत है कि आपका जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा है तो एयर सिलेंडर के अंदर कम आ रही है। तो अगर मान लो आपको 5 मीटर क्यूब एयर को कंप्रेस करना है तो पहले आपका कंप्रेसर जो था वो 5 स्ट्रोक में कर देता, 5 मीटर क्यूब एयर है वो पहले 5 स्ट्रोक में कर देता, बट अब 5 मीटर क्यूब एयर है उसको 10 स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एयर अब आधी ही आ रही है, ठीक है? तो आपका कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलेगा, ओके? सिर्फ यही ड्रॉबैक है क्लियरेंस से और कोई ड्रॉबैक नहीं है, ओके? सो इंपैक्ट ऑफ क्लियरेंस, समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को क्लियरेंस का इंपैक्ट क्या है, यस और नो? ठीक है, तो पहला इंपैक्ट ऑफ क्लियरेंस है द अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड पर सेकेंड रिड्यूसेस, ओके? इट रिड्यूसेस द सेकेंड इंपैक्ट, ओके? कंप्रेसर हैज टू रन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टू डिलीवर a given mass of air। तो अब अगर आपकी बोतल को भरना है, आपकी बोतल फिक्स्ड वॉल्यूम की है, उसको अगर भरना है तो अब कंप्रेसर 10 मिनट के बजाय 25 मिनट लेगा, ठीक है? सर सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ाकर भी तो कंपनसेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। आपको बड़ा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। बड़ा कंप्रेसर लगाओगे, बड़ी मशीन आएगी, ज्यादा पैसे लगेंगे। आपके पास में पैसे हैं 10,000 और जो बड़ी मशीन आएगी वो है 25,000 की। अब देख लो आपको बड़ा करना है या फिर छोटे को ही ज्यादा देर तक चलाना है। ये वैसा ही होता है जैसा आप अपने घर में पंप लगाते हो, ठीक है? आपके घरों में पंप लगा रहता है, जो मोटर लगी रहती है जो पानी ऊपर फेंकती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधे हॉर्स पावर का पंप लगा देते हैं और उनकी टंकी चलते रहती है, आधा 1, 2, 3 घंटे तक चलते रहती है। और कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो 1 हॉर्स पावर की मोटर लगा देते हैं और उनका टंकी आधे टाइम में ही भर जाता है। दोनों बिजली सेम खर्च करेंगे, क्यों? क्योंकि पानी 500 लीटर ही ऊपर चढ़ाना है। अगर पानी 500 लीटर ही चढ़ाना है तो उतना ही m into g into h लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी।
बट ये बेचारा दिन भर चल रहा है, ये जल्दी से करके काम खत्म, अपना आराम से रेस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही केस है। ओके, तो क्लियरेंस की वजह से आपको दो दिक्कत हो रही है, आपका वॉल्यूम कम जा रहा है, वॉल्यूम का एयर, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो ज्यादा देर तक चल रहा है। यहां स्टार मार्क करके लिख लेना थर्ड पॉइंट। ओके, वर्क डन इन एवरी साइकिल रिड्यूसेस वर्क डन इन एवरी साइकिल रिड्यूसेस बट वर्क डन पर केजी ऑफ एयर रिमेन्स सेम। ओके, एक केजी एयर पे कितना वर्क होगा, दैट रिमेन्स सेम। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस, वेरी गुड। ओके, तो हमें समझ में आ गया है कि क्लियरेंस की वजह से हमें दिक्कत क्या हो रही है। तो अब जब आपने क्लियरेंस लगा दिया, तो अगर आपने क्लियरेंस लगाया है तो क्लियरेंस की वजह से अब वॉल्यूम कम आ रहा है, तो कितना वॉल्यूम कम आ रहा है इसको कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, पहले 1 मीटर क्यूब आना था, अब मेरा 0.7 मीटर क्यूब ही आ रहा है, तो ये 0.7 मीटर क्यूब हम कैसे मेजर करेंगे? क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना वॉल्यूम अंदर आएगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक एफिशिएंसी डिफाइन कर देता हूं, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या हो जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को मैं डिफाइन करता हूं, माय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज व्हाट? आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इट इज गिवन एज द वी एक्चुअल। ठीक है, जितना आपका एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा है डिवाइडेड बाय आपका पिस्टन कितना वॉल्यूम स्वीप कर रहा है, वीएस। आपका कितना एक्चुअल वॉल्यूम अंदर आ रहा है, और अगर पिस्टन, अगर क्लियरेंस नहीं होता तो आपका वीएस जो कि पिस्टन स्वीप कर रही है उतना ही वॉल्यूम आना चाहिए था। जितना पिस्टन आपका स्वीप कर रही थी उतना वॉल्यूम अंदर आना चाहिए था, बट आ वी एक्चुअल रहा है, सो दिस बिकम्स योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को डिराइव करने के लिए हम वापस से पीवी डायग्राम बना लेते हैं और सारे वॉल्यूम्स को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, हम वापस से पीवी डायग्राम बना लेते हैं और सारे वॉल्यूम्स को लिख लेते हैं। दिस इज योर V3। ठीक है, दिस इज लोकेशन 3, दिस इज लोकेशन 2, दिस इज लोकेशन 1, दिस इज लोकेशन 4। ठीक है, सो दिस इज योर वॉल्यूम V3, दिस इज योर वॉल्यूम V4, दिस इज योर वॉल्यूम V1। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो V actual is what? V1 minus V4. ठीक है, V actual is nothing but this quantity. This is your V actual. Okay, this is V actual. And what is VS? This is your VS. Okay, so this is your VS, this is your V actual. So can I write volumetric efficiency is equal to V actual. V actual can be written as V swept minus this V4 minus V3. V swept minus V4 minus V3. देखो इधर ऐसे लिखना, V swept minus V4 minus V3 divided by V swept. ऐसे लिख देंगे हम. What is V4 minus V3? This quantity is your V4 minus V3. Okay? So V actual is equal to V swept minus V4 minus V3. ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, V swept by V swept is 1 माइनस ऑफ V4 minus V3 डिवाइडेड बाय VS. ठीक है, ऐसे लिख देंगे।
ठीक है. नाउ आई डू सम लिटिल मोर, थोड़ा सा हम तिगड़म लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं. ठीक है, ये मेरा V3 है, ये मेरा Vs है, तो मुझे चाहिए V3 by Vs. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस यहां से ऊपर का जो था उसमें से मैंने V3 कॉमन ले लिया. सो मैंने लिखा V3 1 माइनस V3 डिवाइडेड by Vs, और ऊपर मेरे पास बच जाएगा. जब यहां से V3 कॉमन लूंगा तो दिस बिकम्स V4 by V3, V4 by V3 माइनस 1. ठीक है, सो दिस बिकम्स 1 माइनस V3 by Vs into V4 by V3 माइनस 1. एंड what इज V3 by Vs? V3 इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम, Vs इज योर स्वेप्ट वॉल्यूम. V3 इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम, Vs इज योर स्वेप्ट वॉल्यूम. ठीक है, अगर किसी ने इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ा हो तो हमने डिफाइन किया था V3 by Vs दैट इज इक्वल टू क्लियरेंस रेशियो. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज क्लियरेंस रेशियो. V3 by Vs कितना क्लियरेंस वॉल्यूम है और कितना वॉल्यूम स्वीप हो रहा है, तो वॉल्यूम स्वीप के रेस्पेक्ट में कितना क्लियरेंस है, दिस इज डिफाइंड एज सी क्लियरेंस रेशियो. सो दैट बिकम्स 1 माइनस सी, 1 माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई वी फोर बाई वी थ्री. ये वी फोर बाई वी थ्री का प्रोसेस क्या ये है, वी फोर बाई वी थ्री. तो क्या मैं लिख सकता हूं V4 by V3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं P3 V3 की पावर n इज इक्वल टू P4 V4 की पावर n, बिकॉज ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. ओके, PV टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर ये PV टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P3 V3 टू द पावर n इज इक्वल टू P4 V4 टू द पावर n. और यहां से अगर मैं लिखना चाहूं V4 by V3, दैट बिकम्स P3 by P4 की पावर 1 by n. ओके, सो दिस बिकम्स P3 by P4 की पावर 1 by n माइनस 1. ठीक है, क्लियर है, P3 by P4 की पावर 1 by n माइनस 1. और इसको जब मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूंगा, n वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज 1 माइनस c P3 by P4. P3 by P4 इज नथिंग बट P2 by P1. सो P2 by P1 की पावर 1 by n माइनस 1. ओके, एंड दिस बिकम्स योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ठीक है, इसमें अगर आप सी की वैल्यू डाल दोगे जो जनरली रहती है 5%, 10%, 11%, 13%, और आप पी टू बाई पी वन की अगर वैल्यू डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम एंटर करेगा आपके सिलेंडर में. ठीक है, तो मान लो कोई एक इंजन है जिसके लिए सी की वैल्यू है 0.1, कोई एक इंजन है जिसके लिए सी की वैल्यू है 0.1, या कंप्रेसर है जिसके लिए सी की वैल्यू है 0.1, और पी टू बाई पी वन है 8, और एन इज इक्वल टू लेट्स से 1.4 है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जल्दी से पता करके बताओ. अगर आपका कंप्रेसर है उसका प्रेशर रेशियो है 1:8, ठीक है, और आपका आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस चल रहा है और क्लियरेंस 10% है स्वेप्ट वॉल्यूम का, या फिर स्ट्रोक लेंथ का 10% है, तो जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. मैं यहां पे भी निकाल लेता हूं 1.0.1 8 की पावर 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1, दैट बिकम्स 1 माइनस 0.1 इंटू 1.81 माइनस 1. This becomes 1 minus 0.1 into 1.81 minus 1 is 0.81. So this becomes 0.081. मैंने कुछ गलत किया क्या? 8 की पावर 0.4 divided by 1.4. 8 की पावर 0.4 divided by 1.4 गलत है क्या? देखें जरा. 8 की पावर 0.4 डिवाइडेड बाय नॉट 0.4, 1 डिवाइडेड बाय 1.4, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1. ओके, नॉट 0.84. ओके, सो दैट बिकम्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.4. ठीक है, यस करेक्ट. ठीक है, मैं उसी उसी मोड में था, बहुत बार ये गलती हो जाती है,
मेरे से भी गलती हो जाती है तो आप लोगों से भी गलती हो सकती है, बट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो गलती करके मिटा दूंगा, मैं तो गेट AIR 1 लेके आया हुआ हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना कि यहां 1/n है, n-1/n नहीं है, 1/n है। सो दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी 0.65, मतलब आपका 65% ही वॉल्यूम अंदर आ रहा है, 35% एयर आ ही नहीं पा रही है ड्यू टू दिस छोटा सा क्लियरेंस। ये देखो कितना, सिर्फ 10% का क्लियरेंस है, उस 10% के क्लियरेंस ने आपके 35% एयर का पत्ता काट दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर ये क्लियरेंस डबल हो जाता, अगर ये क्लियरेंस डबल हो जाता तो ये एफिशिएंसी 30% पे आ जाती। अगर ये डबल हो जाता, 20% हो जाता तो ये एफिशिएंसी 30% पे आ जाती। समझ में आ गया, क्लियर है ये? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी डेवलप्ड बाई ए कंप्रेसर। ये आपका जो कंप्रेसर है ये कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है? देखो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। जनरली लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स के लिए बोलते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स कैन डेवलप इनफाइनाइट प्रेशर, दे कैन डेवलप इनफाइनाइट प्रेशर, बट कैन दे, क्या वो एक्चुअली में इनफाइनाइट प्रेशर डेवलप कर सकते हैं? नो, मिथ है इनफाइनाइट प्रेशर, एक लिमिट से ज्यादा आप प्रेशर नहीं डेवलप कर सकते। ऐसा क्यों? देखो इधर, अगर मान लो मेरे पास में आपका एक कंप्रेसर है जिसका पीवी डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूं, दिस इज माय प्रेशर एंड दिस इज माय वॉल्यूम, इसके अंदर आपकी एयर आती है लोकेशन 1 तक, ठीक है, और ये कंप्रेसर जो है इसका आपका कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम है, सो दिस इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। इसके अंदर आपकी एयर जो है वो यहां तक आ गई। अब आपने क्या किया, इसकी एयर का कंप्रेशन प्रोसेस शुरू किया। जब आपने इस एयर का कंप्रेशन प्रोसेस शुरू किया, कंप्रेशन प्रोसेस ऐसे चल रहा है, आप यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद में अब आपका यहां पे प्रेशर जो है दैट इज 10 bar, और यहां पे आपको डिलीवरी कर देनी थी, यहां पे आपको डिलीवरी कर देनी थी एयर की, ठीक है। तो आपका प्रोसेस जो था वो कुछ ऐसे चलना था, बट दिक्कत ये हो गई कि डिलीवरी वॉल में कुछ फंस गया और डिलीवरी वॉल अब बंद हो गया, अब वो खुल ही नहीं रहा है। अगर डिलीवरी वॉल आपका नहीं खुल रहा है तो यहां पे आपकी डिलीवरी होगी नहीं, और अगर यहां पे डिलीवरी नहीं हुई तो क्या होगा, एयर अंदर ही ट्रैप्ड है, और अगर एयर अंदर ही ट्रैप्ड है तो आपकी पिस्टन क्या करेगी, इधर की साइड आते जाएगी, और अगर इधर की साइड आते जाएगी तो आपका कंप्रेशन प्रोसेस जो था वो चलता जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे, ठीक है। सो लेट्स से जब आपकी पिस्टन आ रही थी, यहां आते 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 यहां तक आ गई, यहां तक आने के बाद में अब आपकी पिस्टन जो है वो वापस इधर जाएगी। तो अगर अब आपकी पिस्टन इधर जाएगी तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि आपके सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना डेवलप हुआ था? आपके सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना डेवलप हुआ था? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द पी मैक्स, ये आपका मैक्सिमम प्रेशर है? इसी प्रेशर तक आपका सिलेंडर में प्रेशर डेवलप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मान लो आपका डिलीवरी वॉल यहां खुलता है, अगर आपका डिलीवरी वॉल जस्ट यहां खुलता है तो जो एयर बाहर डिलीवर होगी क्या वो पी मैक्स से थोड़े से कम पे होगी? मान लो ये 90 bar है, ठीक है, और आपका डिलीवरी वॉल यहां खुल रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं आपकी एयर जो होगी वो 89.9 bar पे डिलीवर होगी? इसका मतलब आपका एयर कंप्रेसर 89.9 bar तक डिलीवर कर सकता है। यस और नो? कर सकता है, 89.9 bar तक ये डिलीवर कर सकता है। तो जो एक्चुअली में आपका मैक्सिमम प्रेशर आ सकता है सिलेंडर के अंदर, दैट इज दिस, ये पी मैक्स, इस पी मैक्स तक आपका प्रेशर आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं।
क्या आपका पीमैक्स अगर 90 बार है तो क्या कभी ये कंप्रेसर 100 बार पे डिलीवर कर पाएगा? अरे जब सिलेंडर के अंदर ही डेवलप नहीं हो रहा 100 बार, तो डिलीवर क्या खाक करेगा? नहीं कर पाएगा। तो कितना डिलीवर कर पाएगा ये? सिर्फ पीमैक्स तक। तो अगर पीमैक्स तक डिलीवर कर पाएगा तो हमें ये पीमैक्स निकालना है। अब ये पीमैक्स निकाल दे रहे ठाकुर, ये पीमैक्स निकाल दे रहे ठाकुर। अगर ये पीमैक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर पीमैक्स निकालना है तो पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि आपका कंप्रेशन प्रोसेस जो ऐसे चल रहा था, अब आपका एक्सपेंशन प्रोसेस कैसे चलेगा। मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस होगा जब पिस्टन यहां तक आ गई है और एयर अगर नहीं डिलीवर हुई है तो सारी की सारी एयर एक्सपेंड होगी और ऐसे ही जाएगी। और अगर सारी की सारी एयर एक्सपेंड होकर ऐसे ही जाएगी तो आपका कंप्रेशन के जस्ट ऊपर आपका एक्सपेंशन प्रोसेस आ जाएगा। और अगर ऊपर आ जाएगा इसके तो हम कह सकते हैं जो फ्रेश एयर आएगी वो आपकी जीरो होगी। आपका प्रोसेस ऐसे जा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कुछ एयर डिलीवर नहीं कर रहा है। अगर कुछ एयर डिलीवर नहीं कर रहा है तो कुछ फ्रेश एयर भी नहीं आएगी, तो एक्सपेंशन प्रोसेस एज इट इज चल के आ जाएगा और यहां पे आके खत्म होगा। जैसे ही एक्सपेंशन प्रोसेस यहां आके खत्म होगा, आपको पता चलेगा कि पिस्टन तो बीडीसी पे आ गया था, सक्शन वॉल कभी खुला ही नहीं। तो सक्शन वॉल अगर कभी खुला ही नहीं तो एक्चुअल एयर जो आएगी दैट विल बी जीरो। और अगर एक्चुअल एयर जीरो आएगी तो क्या मैं कह सकता हूं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी जीरो, एंड दिस विल बी जीरो व्हेन 1-C इनटू पी मैक्स बाय P1 की पावर 1/N -1 इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पी मैक्स प्रेशर पे पी मैक्स इज व्हाट? P2, वही जो डिलीवरी प्रेशर है। तो पी मैक्स डिवाइडेड बाई P1 की पावर 1/N -1 इनटू सी माइनस 1-, ये होगा। तो क्या आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो हो जाएगा? तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 1-1 इज इक्वल टू सी पी मैक्स बाई P1 की पावर 1/N -1। ये सी को इधर ले आएंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू पीमैक्स, ठीक है। ये यहां पे -1 है, इसको इधर ले आएंगे। सो दिस बिकम्स 1+1/C 1+1/C इज इक्वल टू पीमैक्स बाई P1 की पावर 1/N, ठीक है। और यहां से मैं निकाल सकता हूं पीमैक्स बाई P1 इज इक्वल टू P1 = 1+1/C इसकी पावर n, ठीक है, इसकी पावर n, ओके। सो दिस बिकम्स योर मैक्सिमम प्रेशर रेशियो, और यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम प्रेशर पीमैक्स। पीमैक्स इज इक्वल टू P1 1+1/C की पावर n, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहो कि पिछले वाले केस में जो आपने यहां पे केस किया था, इसमें आपका मैक्सिमम प्रेशर कितना डेवलप हो सकता था, तो क्या मैं लिख सकता हूं पीमैक्स बाई P1 इज इक्वल टू 1+1/0.1 इसकी पावर 1.4। कितना हो जाएगा ये? 1+0.1/1 1/0.1 ये 10 हो जाएगा, 10+1 11 की पावर 1.4। कितना आ जाता है ये कितना आ रहा है प्रेशर? पीमैक्स बाई P1, ठीक है, कितना आ रहा है? अरे जल्दी बता दो, कुछ 36-40 बार के आसपास आएगा, 36-40 बार के आसपास आएगा। 28.7, वेरी गुड। So 28.7 P1, इसका मतलब अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका सक्शन ले रहा था तो मैक्सिमम प्रेशर जो डेवलप कर सकते हो वो 28 बार कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? सो दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट यू कैन डेवलप। अब अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर 28 से ज्यादा चाहिए, मान लो मेरे को मैक्सिमम प्रेशर चाहिए 100 बार, तो क्या करोगे?
आपने आपका एक कंप्रेसर सिर्फ 28 बार या फिर 28 का प्रेशर रेशियो दे सकता है. Pmax by P1, this could be maximum of 28. अगर मुझे 100 बार का प्रेशर चाहिए, बहुत सारी लोकेशन होती है जिन पे 100 बार का प्रेशर चाहिए होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे. जल्दी बताओ क्या करेंगे. सिलेंडर बड़ा कर देंगे? नहीं, सिलेंडर बड़ा नहीं कर सकते हो आप. आपके पास में कंप्रेसर फिक्स है. अगर आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए तो हम जाते हैं मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर. मतलब आपका एक कंप्रेसर से काम नहीं चलेगा, अब आपको 2, 3, 4, 5, 17 कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे. ठीक है, तो मेरे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें मैंने क्या किया, एक कंप्रेसर जो था, ठीक है, ये मेरा एक कंप्रेसर है. इस कंप्रेसर में मैंने प्रेशर एक बार से लेके यहां पे 28 बार तक डेवलप करवा लिया. अब मैं क्या करूंगा, दूसरे कंप्रेसर के अंदर जाऊंगा, ये जो 28 बार की एयर है उसको भेज दूंगा मैं दूसरे कंप्रेसर के अंदर, जो क्या करेगा, इसको 28 बार से 100 बार पे कन्वर्ट कर देगा. 28 बार से 100 बार पे कन्वर्ट कर देगा. दिस इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर और मल्टीपल कंप्रेसर्स पुट इन सीरीज. ठीक है, तो इसको हम मल्टी स्टेजिंग बोलते हैं, जहां पे आपको प्रेशर इतना हाई रिक्वायर्ड होता है जो कि आपका एक सिंगल कंप्रेसर नहीं डेवलप कर सकता, तो हम 2, 3 या 4 कंप्रेसर तक लगाते हैं. ठीक है, क्या ये वाला कंप्रेसर, क्या ये वाला कंप्रेसर, या फिर मैं ये कहूं यही जो छुटकू कंप्रेसर था, क्या यही छुटकू कंप्रेसर अगर मैं यहां पे लगा दूं तो वो 100 बार पे डेवलप कर देगा प्रेशर? वही छुटकू वाला कंप्रेसर, क्या ये 100 बार पे डिलीवर कर देगा एयर? कर देगा. देखो, अभी हमने, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि जो कंप्रेसर होता है उसका Pmax by P1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1+C^n. ये प्रेशर रेशियो है, मतलब आपका इनलेट पे क्या प्रेशर है और एग्जिट पे क्या प्रेशर है, इन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू 28.7. समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं यहां पे P1 को अगर 1 एटमोस्फियर दे रहा था तो मुझे जो P2 मिलेगा दैट इज 28.7. ठीक है, बट अगर मैं P1 ही 2 एटमोस्फियर देता, या लेट्स से P1 में देता 3 एटमोस्फियर, 3 बार का प्रेशर देता मैं, कहीं से भी ले आता, मेरी एयर 3 बार पे आ रही है अंदर, अगर मेरी एयर 3 बार पे अंदर आ रही है तो क्या मेरा P2 जो होता दैट वुड बी 28.7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 86 बार हो जाता. ठीक है, 86.1 बार हो जाता. हो जाता, क्यों हो जाता? क्योंकि ये प्रेशर रेशियो है. हम हमेशा प्रेशर रेशियो की बात कर रहे हैं, हम कभी भी सिंगल प्रेशर की नहीं बात कर रहे हैं, हम हमेशा प्रेशर रेशियो की बात कर रहे हैं. वर्क डन में भी अगर आपने देखा होगा तो प्रेशर रेशियो आया था P2/P1. सेम यहां पे भी अगर आपका क्लियरेंस दिया हुआ है तो हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात की, वो प्रेशर रेशियो में बात की. सो हमेशा आपका प्रेशर रेशियो डिसाइड करता है कि आपका डिलीवरी होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो छुटकू वाला कंप्रेसर था, जो आपने छुटकू वाला कंप्रेसर जो आपने लगाया था जिसमें आप एक बार पे दे रहे थे और ये आपको 28 पे डिलीवर कर रहा था, अगर इसी का एक छोटा भाई लाके यहां पे लगा दोगे, इसी का एक छोटा भाई यहां पे ऐसे ही लाके लगा दोगे, तो ये छोटा वाला भाई क्या करेगा, 28 पे लेगा और उसको डिलीवर कर देगा 100 बार पे. आपको 100 बार पे चाहिए तो आपको 100 बार पे दे देगा, अगर आपको 150 पे चाहिए तो 150 पे दे देगा, तब तक देता रहेगा जब तक आपका 840 बार नहीं पहुंच जाता 28 × 28. ठीक है, 28.7 मल्टीप्लाई करो 840, शायद आसपास आएगा. तो जब तक आपका 840 नहीं चाहिए तब तक ये देता रहेगा, अगर 1000 बार चाहिए तो ये भी अपने हाथ खड़े कर देगा, अब मेरे से ना हो पाएगा भाई, मैं थक लिया, बस मैं 28 से ही लेके आया हूं, मैं बहुत थक लिया, मैं अब ज्यादा नहीं डिलीवर कर सकता,
तो अगर आपको 1000 बार चाहिए तो इसका तीसरा भाई लेके आना पड़ेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेजिंग ऑफ कंप्रेसर्स. क्लियर है क्या? समझ में आया सबको? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ओके, सो इधर लिख लो छोटा सा. इफ वी रिक्वायर प्रेशर्स विच आर हायर देन पी मैक्स ऑफ अ कंप्रेसर, then we have to go for multi staging of compressor. ठीक है, multi staging of compressor to deliver high pressure air. ठीक है, ओके, और टू डेवलप वेरी हाई प्रेशर. समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेजिंग. मल्टी स्टेजिंग हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जहां पे आपने एक बड़े कंप्रेसर को दो छोटे छोटे पिद्दी कंप्रेसर में कन्वर्ट कर दिया था, जो आपका इंटरकूलर वाला काम कर रहे थे. याद है ब्रेटन साइकिल में हमने दो छोटे छोटे कंप्रेसर देखे थे? ठीक है, दोज टू कंप्रेसर्स वर पुट इन सीरीज, और वही दोनों कंप्रेसर जो थे, उन्हीं दोनों कंप्रेसर को देखोगे आप तो वो बिल्कुल यहां पे दिख रहा आपको. ठीक है, आपने क्या किया, एक बड़ा कंप्रेसर जो था, ये आपका एक कंप्रेसर है, और इस कंप्रेसर के बाद आपने क्या किया, दूसरा भी लगा दिया, तो आपके जो दो कंप्रेसर चलेंगे वो कुछ ऐसे चलेंगे. ठीक है, क्लियर है? इन दोनों कंप्रेसर के बीच में जनरली हम लगा देते हैं इंटरकूलर. हम बीच में इंटरकूलर इसलिए लगाते हैं बिकॉज अगर आप इंटरकूलर नहीं लगाओगे तो ये दूसरा वाला जो कंप्रेसर होगा इसको बहुत हाई वर्क देना पड़ेगा. तो वो हाई वर्क ना दे, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंटरकूलर लगा देते हैं. आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है कि ये इंटरकूलर क्यों लगाते हैं, बिकॉज हमने ब्रेटन साइकिल में पढ़ा है कि इंटरकूलिंग करने से आपका जो वर्क रिक्वायर्ड होगा कंप्रेसर में वो कम हो जाता है. याद है या नहीं, मैंने इंटरकूलिंग में बताया था. ठीक है, आपका पीवी डायग्राम जो बनता है वो कुछ ऐसे बन जाता है. पीवी डायग्राम, ये आपका पीवी डायग्राम जो था, ये आपका एक्चुअली में ऐसा चलता है, बट अगर आप इसका इंटर स्टेजिंग कर दो, बीच में इंटरकूलर लगा दो, तो ये पीवी डायग्राम कुछ ऐसा चलेगा. ठीक है, और ये पीवी डायग्राम अगर ऐसा चलेगा तो आपका वर्क जो है वो इतना कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक इंटरकूलर लगा देते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेजिंग. अब जब मल्टी स्टेजिंग कर रहे हैं तो यहां पे आपका पहला कंप्रेसर जो है वो अपने नॉर्मल प्रोसेस से चल रहा है ऐसे. ये दिस इज योर फर्स्ट कंप्रेसर विच इज एक्चुअली मूविंग. तो आपका एयर यहां से डिलीवरी शुरू होता है, यहां तक डिलीवर करता है. ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा कंप्रेसर है उसका जो पीवी डायग्राम होगा वो हायर प्रेशर से शुरू होगा. यहां से. ठीक है, यहां से शुरू होगा. अगर आप देखना चाहो दूसरे कंप्रेसर का पीवी डायग्राम क्या होगा, तो दूसरे कंप्रेसर का पीवी डायग्राम ये होगा ऐसा. ठीक है, ये आपका पहले वाले का पीवी डायग्राम, नीचे वाला. दूसरे वाले का पीवी डायग्राम छोटा हो जाएगा, ये देखो आप ये. ठीक है, सो दिस इज योर पीवी डायग्राम. क्यों? क्योंकि छोटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम कम हो रहा है. ठीक है, आपका वॉल्यूम कम हो रहा है. दोनों का एरिया ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ठीक है, अगर आप पीवी डायग्राम बनाना चाहते हो टू द एक्चुअल स्केल ठीक है, तो हमने इंटरकूलिंग करने के बाद में जो पीवी डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था. ठीक है, दिस इज योर इंटरकूलिंग. सो यहां पे आपका ये, दिस इज योर कंप्रेसर वन, जहां पे आपका प्रेशर एक बार से तीन बार पे चला गया है.
ठीक है। अब आपका जो दूसरा कंप्रेसर होगा, हमने कहा था कि दूसरे कंप्रेसर में वर्क इनपुट हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं, दोनों कंप्रेसर का वर्क इनपुट सेम रखते हैं। अगर दोनों कंप्रेसर का वर्क इनपुट सेम रखोगे तो दोनों को पावर जो दोगे वो भी सेम दोगे, दोनों का वर्क जो होगा वो भी सेम होगा। तो अगर दोनों का वर्क सेम होना पड़ेगा तो अब आपका जो प्रोसेस है, डिलीवरी आपकी यहां से शुरू हुई थी, तो दूसरा एयर कंप्रेसर का जो वर्क होगा वो कुछ ऐसा होगा। दूसरा एयर कंप्रेसर 3 बार से लेकर 9 बार तक डिलीवर करेगा। तो यहां पे पहले आपका प्रेशर डिफरेंस 3 है, यहां पे प्रेशर डिफरेंस 6 है। तो जो एरिया देखोगे, दिस इज योर एरिया ऑफ कंप्रेसर 2 एंड दिस इज योर एरिया ऑफ कंप्रेसर वर्क, दोनों का एरिया बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप वॉल्यूम में कम कर रहे हो बट आप प्रेशर को बढ़ा देते हो, ठीक है। तो दोनों प्रेशर्स, दोनों कंप्रेसर्स के अक्रॉस आप प्रेशर रेशियो सेम रखते हो। यह हमने ऑलरेडी देख लिया था ब्रेटन साइकिल में कि आपको मिनिमम वर्क अगर चाहिए तो प्रेशर रेशियो सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर आप आ जाते हो आपके इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, दिस इज योर प्रेशर P1, ठीक है, दिस इज योर प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। यहां से बाहर निकलता है दिस इज योर प्रेशर P2 टेम्परेचर T2, ठीक है। यहां पे आपका प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T3, दिस इज योर प्रेशर, और लेट्स से प्रेशर P3 T3 एंड दिस इज योर प्रेशर P4, दिस इज योर टेम्परेचर T4, ओके। सो इनलेट पे आपका P1 T1 है, आउटलेट पे P2 T2 है, यहां इनलेट पे P3 T3 है, यहां पे आउटलेट पे P4 T4 है, ठीक है। तो अब अगर आप इंटरकूलिंग करते हो, तो अगर आप इंटरकूलिंग कर रहे हो तो आपको पता है T3 इज इक्वल टू T1। आप परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हो तो आपका T3 इक्वल टू T1 हो जाता है। और आपको पता है कि P2 बाई P1 विच इज द प्रेशर रेशियो अक्रॉस कंप्रेसर 1 दैट शुड बी इक्वल टू P4 बाई P3। So P2 by P1 is pressure ratio across one compressor, P4 by P3 is pressure ratio across second compressor, this is constant, okay, generally हम इसको लिख देते हैं सम कॉन्स्टेंट K, ठीक है। तो अब अगर आप प्रेशर रेशियो सेम रख रहे हो और आपका टेम्परेचर T1 T3 सेम है तो आप देखोगे कि T2 will come out to be T4, T2 और T4 दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मतलब दोनों का इनलेट टेम्परेचर सेम है, दोनों का एग्जिट टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर रेशियो सेम है। तो अगर किसी कंप्रेसर का इनलेट टेम्परेचर सेम है, एग्जिट टेम्परेचर सेम है, प्रेशर रेशियो सेम है, दैट इज मोर और लेस लाइक द सेम कंप्रेसर। समझ में आ रहा है? इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कंप्रेसर और दूसरा कंप्रेसर दोनों एग्जैक्टली सेम जैसे ही कंप्रेसर लगा देते हैं। समझ में आया क्या सबको? ये क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी बताओ क्या क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। तो अगर मान लो आपको लेट से एक कंप्रेसर के अक्रॉस, लेट से क्वेश्चन करते हैं, वन कंप्रेसर कैन डेवलप प्रेशर रेशियो ऑफ 5, ओके। एक कंप्रेसर आपका प्रेशर रेशियो 5 डेवलप कर सकता है। सो कैलकुलेट हाउ मनी कंप्रेसर्स विल बी रिक्वायर्ड इन मल्टी स्टेजिंग टू डेवलप 170 बार प्रेशर, ठीक है। हाउ मेनी कंप्रेसर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डेवलप 170 बार ऑफ प्रेशर? जल्दी से कैलकुलेट करो।
हाउ मेनी कंप्रेसर्स विल बी रिक्वायर्ड? अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अगर एक कंप्रेसर के अक्रॉस प्रेशर रेशियो 5 का है, तो अगर आपको 170 बार का प्रेशर डेवलप करना है, तो कितने प्रेशर, कितने कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं आया किसी का आंसर? देखो इधर, इधर ध्यान दो। देखो, लेट्स से हमारे पास में कंप्रेसर्स हैं, ठीक है। मेरे पास में ये पहला कंप्रेसर है, ये दूसरा कंप्रेसर है, ये तीसरा कंप्रेसर है, ये चौथा कंप्रेसर है, ठीक है। तो पहले कंप्रेसर के इनलेट पे प्रेशर है P1, एग्जिट पे प्रेशर है P2, दूसरे कंप्रेसर के इनलेट पे प्रेशर है P2, एग्जिट पे प्रेशर है P3, तीसरे के इनलेट पे P3 है, एग्जिट पे P4 है, और यहां पे एग्जिट पे P5 है। सो दिस इज योर कंप्रेसर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो क्या ऐसे प्रेशर चलेंगे? ये 1 बार है, 1 बार का डिलीवर हुआ 5 बार पे, 5 बार पे इसके अंदर एंटर करेगा, 5 बार के अंदर इसके एंटर करेगा, तो जो बाहर निकलेगा दैट विल बी 5 × 5 = 25, 25 के बाद में इसमें एंटर करेगा, 25 से जब बाहर निकलेगा तो 125 पे निकलेगा, 125 के अंदर एंटर करेगा और बाहर निकल सकता है 625 तक, 125 से लेके 625 तक कहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो कितना कंप्रेसर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? आपको 171 बार चाहिए। अगर 170 बार चाहिए तो आपको मिनिमम 4 कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है, तब जाके आपको कंप्रेशन मिल पाएगा 170 बार का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप देखो P2 by P1, दिस इज द प्रेशर रेशियो अक्रॉस कंप्रेसर 1, दैट विल बी इक्वल टू P3 by P2, दैट इज द कंप्रेशर रेशियो अक्रॉस कंप्रेसर 2, दैट विल बी इक्वल टू P4 by P3, अगेन कंप्रेशर रेशियो अक्रॉस 3, और सबके अक्रॉस कंप्रेशर रेशियो K है। अगर सबके अक्रॉस कंप्रेशर रेशियो K है और मुझे निकालना है व्हाट इज P4 by P1 क्या होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं P2 = KP1, P2 by P1 = K, सो P2 कैन बी रिटन एज K × P1, ठीक है, P2 कैन बी रिटन एज K × P1, P3 by P2 कैन बी रिटन एज K, सो P3 कैन बी रिटन एज KP2, सो P3 कैन बी रिटन एज KP2, एंड व्हाट इज P2, P2 is KP1, सो P3 कैन बी रिटन एज K²P1। सिमिलरली आप अगर यहां पे देखोगे तो P4 कैन बी रिटन एज K³P1, ठीक है, K³P1। सो अब अगर आप देखोगे P4 by P1 becomes K³, ओके, सो P4 by P1 becomes K³। सो ये आपका रिलेशन हो गया। जनरली अगर आपके पास में n कंप्रेसर्स हैं, ओके, इफ देयर आर n कंप्रेसर्स, ठीक है, तो आपका लास्ट वाले कंप्रेसर का प्रेशर दैट इज PN+1/P1, दिस इज PN+1/P1, N+1/P1 दैट इज इक्वल टू K^n, ओके, इतना प्रेशर आप डेवलप कर सकते हो। सो PN+1/P1 = K^n, ये आपका एक जनरल रिलेशन होता है। अगर आपके पास में एक कंप्रेसर है जो 8 बार डेवलप कर सकता है और ऐसे ऐसे 3 कंप्रेसर लगे हैं, तो जो आपके पास में टोटल प्रेशर आ सकता है दैट इज 8^3, ठीक है। तो अब हमसे इस सवाल में वो पूछ रहा था कि आपको प्रेशर जो डेवलप करना है वो 170 बार डेवलप करना है। अगर प्रेशर 170 बार डेवलप करना है, सो PN+1 = 170, P1 = 1 bar, ठीक है,
सो यहां से हम लिख सकते हैं 170 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू के था दैट वॉज 5 इसकी पावर n. तो n जब आप कैलकुलेट करोगे n की वैल्यू जो आएगी इट विल कम आउट समवेयर अराउंड 5.2 के आस सॉरी 3.2 के आसपास. ओके सो n विल कम आउट टू बी सम 3.2. सो 3.2 है इसका मतलब 3 से ज्यादा है 4 से कम है. ठीक है तो 3 कंप्रेसर तो मिनिमम चाहिए, चौथा आधा चाहिए. तो चौथा आधा कैसे दोगे? चौथा तो कंप्रेसर दोगे, पूरा ही दोगे, भले ही हो सकता है कि उसमें पूरा प्रेशर ना डेवलप करवाओ. ओके सो द नंबर दैट यू रिक्वायर मिनिमम नंबर इज योर 4. क्लियर है ये सबको? मिनिमम नंबर इज 4. ठीक है समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके गाइस मेरा पीसी लिखा रहा है डिवाइस ऑटो पावर ऑफ, प्रेस एनी की टू कैंसिल, 3 मिनट में कैंसिल हो जाएगा, 3 मिनट में पावर ऑफ हो जाएगा. वैसे हमने टॉपिक जो है वो खत्म कर लिया है. ठीक है तो क्या ये सबको समझ में आया? ओके तो गाइस यहां आके हमारा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है वो टॉपिक हो जाता है खत्म. ठीक है आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्लियरेंस पे वर्क का क्या असर होता है या क्लियरेंस का वर्क पे क्या असर होता है, क्लियरेंस की वजह से मैक्सिमम प्रेशर कितना डेवलप कर सकते हो और अगर मल्टी स्टेजिंग जा रहे हो तो आपको कितने कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे. आई एम श्योर सबको एकदम एब्सोल्यूटली क्लियर हो गया होगा. अगर एब्सोल्यूटली क्लियर है तो आज का रेसिप्रोकेटिंग एयर का कंप्रेसर खत्म हो जाता है. कल अब हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक कंप्रेसर, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे रेडियल कंप्रेसर के साथ में. ओके सो दैट इज ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे. गाइस मैं आपको बता देता हूं इस संडे को हमारी कल भी क्लास रहेगी 6:30 पे, बट इस संडे को 2 क्लासेस रहेंगी. ठीक है 2 क्लासेस रहेंगी. एक क्लास मॉर्निंग में रफली अराउंड 10 AM होगी जो 10 से 12 चलेगी और दूसरी क्लास वही हमारा टाइम 6:30 PM होगा जो नॉर्मल टाइम है, क्योंकि हमारे पास में सिलेबस बहुत ज्यादा है. आप लोग इतने ज्यादा डिमांडिंग हो कि 2 घंटे की क्लास को मुझे 4.25 घंटे की क्लास करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा सिलेबस. तो मैं चाहता हूं कि ये 2 एक्स्ट्रा क्लास मैं ले लूं संडे को, जिससे कि आपका शेड्यूल तक आपका खत्म हो जाए. ठीक है तो 2 क्लासेस रहेंगी 10 AM एंड 6:30 PM. जो लोग अभी आ रहे हैं आज क्लास कर रहे हैं, ध्यान रखना कि ये दोनों क्लासेस अटेंड करनी है. कल भी बताऊंगा बट आज भी बता दे रहा हूं. ठीक है सो दैट इज ऑल गाइस व्हाट वी हैव फॉर टुडे. डीपीपी जरूर लगाना, मैं पहले बता दे रहा हूं डीपीपी जरूर लगाना, क्योंकि यहां पे 2 क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवा पाया हूं. ठीक है यहां पे मेरे पास में 2 क्वेश्चन थे जो मैं नहीं करवा पाया. ये 2 क्वेश्चन है जो पॉलीट्रॉपिक जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे भी था और दूसरा हमारा एक और क्वेश्चन था, तो दोनों मैं नहीं करवा पाया हूं. तो मैं चाहता हूं आप डीपीपी जरूर करना. ठीक है भूलना मत, कल वाली डीपीपी भी करना है, आज वाली डीपीपी भी करना है. ओके सो दैट्स ऑल गाइस व्हाट वी हैव फॉर टुडे. मिलते हैं कल शाम में 6:30. ठीक है और परसों 10 o'clock एंड 6:30. ठीक है थैंक यू.